Hello friend, welcome to an academy. Let's crack GATE and ESE, India's largest learning platform, and subscribe Academy, and you can access unlimited live and recorded courses from India's best educators, friend. And I'm Garvin Singh. Today I'm going to discuss powder metallurgy topic. So discussion start karte hain, friend. This is me, I'm Garvin Singh, 6-year teaching experience for GATE ESE PSU, M.Tech IIT Delhi se 13 mein, B.Tech in Mechanical Engineering 2010, friend, ESE written qualified GATE 11-13, and download an Academy Learning app for more information about the special class schedule, about the upcoming courses, for the top educator. तो ये सभी जानकारी आपको इस ऐप के थ्रू अवेलेबल हो जाएगी. स्पेशल क्लास के बारे में आपको जानना है तो ये सब जानकारी आपको इस ऐप के थ्रू अवेलेबल हो जाएगी. तो डाउनलोड अन अकेडमी लर्निंग ऐप एंड एक सब्सक्रिप्शन. अन अकेडमी सब्सक्रिप्शन के क्या फायदे हैं? अगर आप अन अकेडमी को सब्सक्राइब करते हो तो यहाँ पर डेली लाइव क्लासेस होती है, तो आपका रियल टाइम इंटरेक्शन होता है एजुकेटर के साथ. तो आप अपना कोई भी डाउट पूछ सकते हैं, कोई भी टॉपिक डिस्कस कर सकते हो आप फ्रेंड. यहाँ पे रियल टाइम इंटरेक्शन होता है एजुकेटर एंड स्टूडेंट के बीच में. लाइव टेस्ट एंड क्विजेस फ्रेंड यहाँ पे होता है. तो लाइव टेस्ट एंड क्विजेस में आप पार्टिसिपेट कर सकते हो, अपना परफॉर्मेंस चेक कर सकते हो. तो यहाँ पर रेगुलर मॉक टेस्ट होते हैं, क्विजेस होते हैं, एंड गेट डिटेल्ड एनालिसिस ऑन योर परफॉर्मेंस. आपको एवेल्यूएट कर सकते हो, अपना परफॉर्मेंस चेक कर सकते हो फ्रेंड. स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज फ्रेंड, यहाँ पे जो भी कोर्स है किसी भी एग्जाम से रिलेटेड वो पूरा पढ़ाया जाता है. सिलेबस पूरा कवर कराया जाता है फ्रॉम वेरी बेसिक टू एडवांस लेवल, और क्लास एज पर द शेड्यूल लगाई जाती है जिससे कि आप अपने आप को प्लान कर सकते हो. अनलिमिटेड एसेस फ्रेंड, अगर आप एक बार अन अकेडमी को सब्सक्राइब करते हो तो पर्टिकुलर कैटेगरी में किसी फैकल्टी को देख सकते हो, सुन सकते हो, वीडियो डाउनलोड कर सकते हो. एंड अदर देन प्लस देयर इज अनदर कैटेगरी कॉल्ड एज आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन. तो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के एडिशनल जो बेनिफिट है फ्रेंड यहाँ पर ये हुए हैं. देखिए, पर्सनल कोच असाइन होता है यहाँ पे, पर्सनलाइज टेस्ट एनालिसिस होता है, स्टडी प्लानर एंड प्रिपेयरेटरी स्टडी मटेरियल फ्रेंड. देखिए यहाँ पे फ्रेंड, प्लस का अगर 12 मंथ के लिए आप सब्सक्राइब करते हो है 30,250. इसी तरीके से अगर आप 18 मंथ के लिए सब्सक्राइब करते हो फीस 38,500. 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन आप परचेज करते हो तो फीस है 44,000. आप मेरा रेफरल कोड डालते हो GSUS पे तो आपको इंस्टेंट 10% ऑफ मिलता है. ऑफ मिलने के बाद जो फीस हो जाती है फ्रेंड, देखिए यहाँ पे फॉर 12 मंथ फीस विल बिकम 27,225. 18 मंथ के लिए जो फीस हो जाती है 34,650. 24 मंथ के लिए फीस हो जाती है 39,600. इसी तरीके से अगर आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन को परचेज करते हो फ्रेंड, तो फीस है 12 मंथ का 45,000 और 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन चार्ज है फ्रेंड 60,000. आप मेरा रेफरल कोड GSUS पुट करते हो तो आपको इंस्टेंट 10% ऑफ मिलता है फ्रेंड. फी हो जाती है 12 मंथ की 40,500 एंड 24 मंथ का. एंड ये आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन भी बेस्ट ऑप्शन है, यू कैन परचेज ऑल्सो दैट. नाउ फ्रेंड, टुडेज टॉपिक पाउडर मेटलर्जी. ठीक है, तो पाउडर आपको समझ आ रहा होगा. तो इस बेसिक डेफिनेशन क्या है, पाउडर मेटलर्जी इज अ ब्रांच ऑफ फ्रेंड मेटलर्जी व्हिच डील्स विद द प्रोडक्शन ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल पाउडर्स. यहाँ पे आप क्या करते हो, जो मेटल है और नॉन मेटल उसको पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करते हो, एंड सब्सिक्वेंटली मैन्युफैक्चर ऑफ कंपोनेंट बाय यूजिंग दिस पाउडर, और कंपोनेंट जो आप बनाते हो बाय यूजिंग दिस पाउडर. तो ये एक प्रोसेस होती है, उस प्रोसेस को पढ़ेंगे पूरा. ठीक है ना, तो सिंपली आप पहले तो यहाँ समझिए, पाउडर मेटलर्जी ब्रांच ऑफ मेटलर्जी डील्स विद द production of metal and non-metal powders and subsequently manufacture of component by using these powder. Friend, ऐसा हम करते क्यों, powder form में convert क्यों करते हैं? Because friends, some material जो होते हैं आप आसानी से alloying नहीं कर सकते उनकी, तो उनको powder form में हम mix करके desired property क्यों कर दिए. ऐसा समझिए आप, मान लो copper है, copper की property क्या है, copper की एक अच्छी property क्या है, electrical conductivity इसकी अच्छी होती है. ठीक है ना, tungsten की property क्या है friend, tungsten की toughness ज़्यादा होता है, और हम बोल सकते हैं हार्डनेस इसका ज्यादा होता है. तो फ्रेंड अगर हमको कुछ ऐसा, अगर इनको आप डायरेक्टली मिक्स करोगे तो आसानी से मिक्स नहीं होता, बट इन पाउडर फॉर्म इट कैन इजिली मिक्स अप एंड फॉर्म अ कंपाउंड दैट इज, जहाँ पे कॉपर भी होगा टंगस्टन भी होगा, तो जो आपको फाइनल जो प्रोडक्ट मिलेगा फ्रेंड उसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी अच्छी होगी, हार्डनेस भी अच्छी होगी. समटाइम क्या होता है कि आपको डिजायर्ड प्रॉपर्टी फ्रेंड आपको नॉर्मल वे से नहीं मिलती, तो आप पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करके दो मटेरियल जो मेटल हो सकता है नॉन मेटल होता है उसको मिक्सअप करके आप प्रोडक्ट को बनाते हो. ठीक है ना, और अगर सिंपली हम बात करें तो पाउडर मेटलर्जी की अगर हम बात करें सिंपली, इसको ऐसे भी हम समझ सकते हैं. तो जनरली पाउडर मेटल टेक्निक इज कैपेबल ऑफ मेकिंग कॉम्प्लेक्स पार्ट बाय कॉम्पैक्टिंग मेटल पाउडर फ्रेंड इन डाइज एंड सिंटरिंग देम हीटिंग विदाउट मेल्टिंग टू नियर नेट शेप प्रोडक्ट.
सिंपल है। देखिए अगर हम पाउडर मेटलर्जी की बात करूँ तो सिंपल है फ्रेंड। देखिए जनरली इट इज यूज टू मिक्स मटेरियल। अगर हम मैं और इसको डिफाइन करना चाहूँ तो बेसिकली क्या है पाउडर मेटलर्जी में, टेक्निक इज यूज टू मिक्स, इट इज यूज मिक्स द मटेरियल्स which does not form, right, which does not form an alloy. ऐसे मटेरियल जो एलॉय से फॉर्म नहीं करते, ऐसे मटेरियल के लिए हम क्या करते हैं पाउडर मेटलर्जी का यूज करते हैं फ्रेंड, टू मेक अ कंपोनेंट। सिंपल, इट इज अ प्रोसेस इन विच पाउडर मटेरियल फ्रेंड, जो पाउडर मटेरियल है ठीक, अगर आपको उसको कोई शेप देना है तो आप डायरेक्टली पाउडर को मिला के शेप दे नहीं सकते। आप ऐसे समझिए कि अगर आप रेत और सीमेंट की बात करो, सैंड एंड सीमेंट, तो अगर आप उसको शेप देना तो क्या करते हो आप, उसकी प्लास्टिसिटी को इम्प्रूव करने के लिए आप ब्लेंडिंग करते हो सर्टेन लुब्रिकेंट की या वाटर की फ्रेंड। इस तरीके से यहाँ पे आप यू आर ब्लेंडेड प्रेस्ड इनटू डिजायर्ड शेप देन हीटेड टू बॉन्ड द सरफेस फ्रेंड, प्रॉपर बॉन्डिंग हो जाए मटेरियल के पार्टिकल्स के बीच में। इसलिए हम हीट करते हैं, ब्लेंड करते हैं फ्रेंड, मिक्सअप विद द सम लुब्रिकेंट सो दैट डिजायर्ड शेप कैन बी गिविंग, जिससे कि हम कुछ शेप उसको दे सके ठीक है। देन प्रेस्ड इन अ डाई फ्रेंड, जो कि आपका डिजायर्ड शेप की होती है ठीक है ना, एंड देन हीटेड टू बॉन्ड द सरफेस, फर्दर उसकी बॉन्डिंग बढ़ाने के लिए हम हीट करते हैं। तो क्या उसके बेसिक स्टेप्स होते हैं वो हम सब देखेंगे यहाँ पे एक एक करके फ्रेंड। तो आप ये चीज याद रखिए, मेजर जो एप्लीकेशन है अगर हम बात करें कि पाउडर मेटलर्जी का जो आपका बेसिक कहाँ से स्टार्ट हुआ था पाउडर मेटलर्जी का फ्रेंड, पाउडर मेटलर्जी की हम बात करें तो सबसे पहले जो पाउडर मेटलर्जी है ये टंगस्टन फिलामेंट आपने देख सुना होगा, टंगस्टन फिलामेंट क्योंकि कहाँ पे यूज होता है टंगस्टन फिलामेंट फ्रेंड, बल्ब में। तो सबसे पहले हमने टंगस्टन फिलामेंट बनाने के लिए पाउडर मेटलर्जी टेक्निक का यूज किया था फ्रेंड, और इनकैंडेसेंट लाइट बल्ब ठीक है ना। तो टंगस्टन फिलामेंट यूज्ड इन इनकैंडेसेंट लाइट बल्ब्स फ्रेंड इन 1900s ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको जो यूज हुआ था पाउडर मेटल टेक्निक का फ्रेंड, टंगस्टन फिलामेंट बनाने के लिए इन इनकैंडेसेंट लाइट बल्ब्स के लिए इन 1900s, ये इसका सबसे पहला यूज था क्लियर। और अगर हम बात करें अभी फ्रेंड, तो अभी के एप्लीकेशन का मैं आपको डिटेल्ड पूरा एनालिसिस बताऊंगा आफ्टर द चैप्टर ठीक है ना। तो चैप्टर के लास्ट में जो सेक्शन है वो आपका एप्लीकेशन पे है ठीक है ना। अब हम आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। तो बेसिक फ्रेंड क्या है कि स्टेप कौन से इन्वॉल्व है प्रोडक्शन ऑफ कंपोनेंट, अगर आपको कंपोनेंट बनाना है विद द हेल्प ऑफ पाउडर मेटलर्जी फ्रेंड, तो आपके क्या बेसिक स्टेप है। सबसे पहले जो मेटल या जो मेटल या नॉन मेटल जो भी है फ्रेंड, जिसका आपको प्रोडक्ट बनाना है, उसको भी प्रोडक्ट बनाना है, उसको पाउडर के फॉर्म में कन्वर्ट करोगे आप इन पाउडर मेटलर्जी, तो सबसे पहले स्टेप हो जाती है पाउडर प्रोडक्शन ठीक है, या पाउडर फॉर्मेशन सिंपल। तो प्रोडक्शन ऑफ मेटल पाउडर फ्रेंड, फर्स्ट स्टेप इज प्रोडक्शन ऑफ मेटल पाउडर, दिस इज अ वेरी फर्स्ट स्टेप इन पाउडर मेटलर्जी। इसके बाद नेक्स्ट ब्लेंडिंग और मिक्सिंग फ्रेंड, इसके बाद आप जो पाउडर्स है उनको मिक्स करते हो। कॉम्पैक्शन फ्रेंड मतलब प्रेसिंग, तो इसमें आप प्रेस करते हो टू ऑब्टेन अ डिजायर्ड शेप, टू ऑब्टेन अ डिजायर्ड शेप। इसके बाद सिंटरिंग करते हो फ्रेंड, सिंटरिंग इज अ ऑपरेशन जिसमें आप क्या करते हो फ्रेंड, इसको हीट अप करते हो जिससे कि प्रॉपर बॉन्डिंग हो जाए, तो बॉन्डिंग के लिए आप सिंटरिंग एक्शन करते हो। नेक्स्ट साइजिंग और इम्प्रेगनेशन, फर्दर आप उसको सेल्फ लुब्रिकेटिंग बनाना है तो इम्प्रेगनेशन या और कोई प्रॉपर्टी आपको इंट्रोड्यूस करना है ठीक है ना, इस तरीके की इम्प्रेगनेशन आप ऑपरेशन करते हो। दिस इज द लास्ट ऑफ फिनिशिंग और सेकेंडरी ऑपरेशन, दिस इज कॉल्ड एज सेकेंडरी ऑपरेशन, दिस इज कॉल्ड एज सेकेंडरी ऑपरेशन। सेकेंडरी ऑपरेशन भी आप करते हो जैसे साइजिंग ठीक है ना, इम्प्रेगनेशन, इन्फिल्ट्रेशन, ये भी है एक पार्ट, उसको भी देखेंगे हम इन्फिल्ट्रेशन क्या होता है, सभी चीज हम कवर करेंगे फ्रेंड। लास्ट वन इज टेस्टिंग एंड इंस्पेक्शन ठीक है ना, तो आज हम ये नहीं देखेंगे, ये पार्ट हम कल पढ़ेंगे बाद में, इसको आज हम बस बेसिक जो प्रोसेस है फ्रेंड इन सब पास कवर करने वाले। प्राइमरी ऑपरेशन दैट इज ये वाला पार्ट जो ऊपर के चार पॉइंट है, और सेकेंडरी ऑपरेशन मतलब फिफ्थ वाला, इसमें और भी है, इन्फिल्ट्रेशन है, इम्प्रेगनेशन है, साइजिंग है ठीक है ना, कट्स है, तो ये सब ऑपरेशन जो सेकेंडरी ऑपरेशन है इनके बारे में हम आज जानेंगे ठीक है ना। तो यहाँ से हम सबसे पहली स्टेप है पाउडर प्रोडक्शन फ्रेंड, तो पाउडर प्रोडक्शन से आज हम स्टार्ट करते हैं। तो पाउडर प्रोडक्शन फ्रेंड स्टेप इन्वॉल्व इन मैन्युफैक्चरिंग पाउडर मेटलर्जिकल कंपोनेंट, तो इसको मैंने डायग्राम फॉर्म में दिखाया हुआ है। देखिए ये लुब्रिकेंट्स, ये जो पाउडर है ग्रेफाइट आयरन पाउडर, इन पाउडर के फॉर्म में कन्वर्ट करके आप देन आप मिक्सअप करते हो, तो मिक्सअप जो करते हो ये आपका एंड ये एक तरीके से एक वेशल है, इसमें मिक्सअप कर रहे हो आप, प्रेस
बिटवीन द डाइज, फिल्टरिंग ट्रेंड एंड साइजिंग। तो ये मैंने डायग्राम फॉर्म में दिखाया, इसको हम और आगे पढ़ेंगे। फ्रेंड्स सबसे पहला पाउडर प्रोडक्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पाउडर प्रोडक्शन से आपका ईएससी में क्वेश्चन आ चुका है, यहाँ पे हम देखते हैं पाउडर प्रोडक्शन। पाउडर मैन्युफैक्चर्ड बाय वेरियस मेथड फ्रेंड, और उसमें जो फेमस मेथड है, कुछ इंपॉर्टेंट मेथड है वो हम आज देखेंगे। तो पाउडर फ्रॉम ईच मेथड हैज टिपिकली प्रॉपर्टीज लाइक मैकेनिकल प्रोसेस फ्रेंड, और एक होता है आपका केमिकल प्रोसेस या फिजिकल प्रोसेस। तो मैकेनिकल प्रोसेस के थ्रू हम कौन कौन से पाउडर, कौन से मेथड्स हैं वो हम जानेंगे यहाँ पे। पहला तो मशीनिंग फ्रेंड, तो मशीनिंग में अगर कोई भी मेटल या नॉन मेटल फ्रेंड उसका अगर हमको पाउडर बनाना है तो चिप्स के फॉर्म में पहले कन्वर्ट कर लेते हैं, चिप्स के फॉर्म में, देन पल्वराइज्ड मतलब क्रशिंग दीज चिप, ठीक है ना। पल्वराइज मतलब ब्रेक इनटू सिंपल पार्टिकल्स, सिंपल। तो पल्वराइजेशन बाय क्रशिंग एंड मिलिंग, तो दिस इज द ऑपरेशन। क्रशिंग और मिलिंग से आप क्या करते हो, चिप्स जो होता है उसको पीस देते हो। सिंपल सा है कि आपने तो जो रोलर है उनके बीच में फंसा के मेटल को या जो चिप्स है उनको पीस दिया एक तरीके से, ठीक है, कन्वर्ट इनटू द पार्टिकल फॉर्म, ठीक है। तो पल्वराइज बाय क्रशिंग एंड मिलिंग, दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मेथड्स, ठीक है ना, क्रशिंग एंड मिलिंग। तो ये आप याद रखोगे, तो क्रशिंग एंड मिलिंग इज द ऑपरेशन और पल्वराइजेशन, ठीक है, इज अ टेक्निक जिसमें आप क्या करते हो पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करते हो फ्रेंड मेटल या नॉन मेटल को। कन्वर्ट द नेक्स्ट, सिंस रिलेटिवली कोर्स पाउडर आर ऑब्टेंड बाय दिस मेथड फ्रेंड, इट इज सुटेबल ओनली फॉर फ्यू स्पेशल केसेस सच एज मैग्नीशियम पाउडर, ठीक है ना, सिल्वर सोल्जर एंड डेंटल एलॉयज के लिए आप इसका एप्लीकेशन, एप्लीकेशन वाला पार्ट हम लास्ट में अच्छे से देखेंगे। द पाउडर पार्टिकल्स आर ऑफ इररेगुलर शेप, ठीक है ना। कम्स टू द नेक्स्ट फ्रेंड, उसके बाद क्रशिंग, वो जो अभी पढ़ा था क्रशिंग मतलब सॉलिड मटेरियल आर क्रश्ड बाय हैमर्स और जॉ क्रशर्स, ठीक है ना। तो ये क्रशर्स जो होते हैं क्रशर्स की हेल्प से, हैमर्स की हेल्प से हम उसको क्रश कर देते हैं। जनरली जो क्रशिंग मेथड है फ्रेंड, इट इज यूजफुल फॉर व्हाट, यूजफुल फॉर ब्रिटल मटेरियल। ब्रिटल मटेरियल आसानी से क्रश हो जाता है, समझिए, ब्रिटल मटेरियल आसानी से क्रश हो जाता है, ठीक है ना, एज कम्पेयर टू द डक्टाइल मटेरियल। तो ब्रिटल मटेरियल के जनरली ये प्रेफरेबल मेथड है क्रशिंग। ब्रिटल मटेरियल्स और एंगुलर इन शेप, डक्टाइल मटेरियल फ्लैंक इन शेप, ठीक है। अगर ऐसे डक्टाइल मटेरियल का हम करते नहीं है लेकिन करोगे आपको फ्लैंक इन शेप मिलेगा आपको फ्रेंड, ठीक है। तो ब्रिटल मटेरियल के लिए जनरली दिस मेथड इज प्रेफरेबल, क्रशिंग इज फॉर ब्रिटल मटेरियल। और जो पल्वराइजेशन मेथड को एक मेथड के नाम से और जाना जाता है, दिस इज आस्क इन ईएससी फ्रेंड, ईएससी 2012 में पूछा गया था, व्हाट डू यू मीन बाय कम्युनिशन, सी ओ डबल एम आई एन यू टी आई एन फ्रेंड, दिस इज ऑल्सो अ पल्वराइजेशन। पल्वराइजेशन को हम इस टर्म में भी बोलते हैं पाउडर मेटलर्जी में कम्युनिशन, याद रखना कम्युनिशन इज नथिंग बट इज ए पल्वराइजेशन टेक्निक। आप कैसा लिखा हो तो आप समझ जाइए, ये पूछा गया है ईएससी 2012 में। तो कम्युनिशन फ्रेंड देखिए क्या है, मैकेनिकल कम्युनिशन इन्वॉल्व क्रशिंग मिलिंग इन बॉल मिल्स, वो भी एक ही सेम चीज है याद रखना, ये अलग नाम है पल्वराइजेशन का, ठीक है, डोंट कन्फ्यूज विद द टर्म। ये टर्म आपको पूछा गया था कि ईएससी 2012, ये टर्म याद रखो गया, क्रशिंग एंड मिलिंग, इसको कंबाइंडली कम्युनिशन भी बोलते हैं कभी कभार। तो इसमें देखिए, एनी मटेरियल कैन बी क्रश टू पाउडर फॉर्म, हाउएवर द मेथड इज वेरी मच सुटेबल फॉर ब्रिटल मटेरियल, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मिलिंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड वाइडली यूज्ड मेथड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ पाउडर ऑफ रिक्वायर्ड ग्रेड एंड फाइननेस, ठीक है ना। मिलिंग इज डन बाय यूजिंग इक्विपमेंट्स सच एज बॉल मिल्स, ठीक है, रॉड मिल्स, एडी मिल्स, दिस इज द मेथड ऑफ मिलिंग, क्लियर है। अब आ जाते हैं हम यहाँ पे फ्रेंड, देखिए रोल क्रशर्स, बॉल मिल्स। फ्रेंड बॉल मिल्स में क्या करते हो आप, देखिए आपकी जो बॉल्स रहती है और जो मटेरियल रहता है आपका जो चिप्स फॉर्म में, आपने यहाँ पे इस बॉल्स के बीच में आप फंसा देते हो, देन इसमें आप रोटेट करते हो फ्रेंड। जब जैसे जैसे रोटेशन होगा तो जो बॉल्स हैं वो उसको मटेरियल को क्रश करती है, मटेरियल को क्रश करेंगे, दिस इज द मेथड इन बॉल मिल्स। रोलर क्रशर फ्रेंड सिंपली रोलर्स के बीच में आप ये मटेरियल देखिए, आप ये मटेरियल यहाँ से आपने इंट्रोड्यूस किया, यहाँ से पार्टिकल फॉर्म में देखिए बाहर आ रहा है, दिख रहा है आपको, दिस इज द बेसिक डायग्राम, ठीक है ना, जिससे कि आपके अंडरस्टैंडिंग यहाँ थोड़ा सा समझ में आया आपको, ठीक है ना। नाउ फ्रेंड अगेन बॉल मिलिंग मेथड, द मटेरियल इज टू बी पाउडर इज टम्बल्ड और रोटेटेड इन ए कंटेनर विद लार्ज नंबर ऑफ हार्ड बॉल, दिस इज द मेथड इन बॉल मिलिंग मेथड। तो बॉल मिलिंग मेथड आपको पूछा जा चुका है कन्वेंशनल में, तो आप देखिए यहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ हार्ड बॉल्स के साथ आप मटेरियल को क्या करते हो, रख देते हो और टम्बल्ड करते हो, रोटेट करते हो फ्रेंड, जिससे कि मटेरियल क्रश हो जाए। स्पीड ऑफ कंटेनर इज प्रॉपरली कंट्रोल्ड फ्रेंड, स्पीड को आप कंट्रोल करके रखोगे सो दैट द बॉल्स हिट द मटेरियल मेकिंग पार्टिकल फाइनर एंड फाइनर, इट डिपेंड अपॉन द फाइनेस, इट डिपेंड अपॉन द कोर्स, कैसा स्ट्रक्चर चाहिए आपको मटेरियल का, उसके हिसाब से आप स्पीड को मैनेज करते हो।
Milling may be done by dry or wet method, but in wet method, a liquid medium such as distilled water is used. Alcohol, acetone, stearic acid is used in the drum. Any type of material can be powdered by milling method, friend. कोई material को आप powder कर सकते हो यहाँ पे. However, it is widely used for carbide metal mixture. Carbide metal mixture के लिए ये acceptable है, generally उसी के लिए use करते हैं. तो बाकी का आप ऐसा कुछ restriction नहीं, कोई material आप कर सकते हो. Now, friend, comes to the atomization. Next technique is atomization. Very, very important. Produce a liquid metal, friend. इसमें देखिए क्या basic method क्या रहता है. देखिए, produce liquid metal stream by injecting molten metal through a small orifice. Then stream is broken by jet of inert gas, air or water. कुछ भी आप medium ले सकते हो. Size of the particle form depend upon. देखिए मैं इसको diagram through समझाता हूँ जिससे आपको और clear हो जाए. Diagram देखिए friend. ये आपका method है. देखिए यहाँ पे क्या करते हो आप. ये जो आप container दिख रहा है आपको ऊपर वाला. फिर यहाँ पे आप क्या कर रहे हो. ये nozzle है. No. और ये आपका gas inlet दिख रहा है यहाँ से friend. From this side. तो gas nozzle. तो gas को आपने क्या किया. इस जो लिक्विड मेटल का जो जेट आ रहा है इस पे आपने क्या इसको इंजेक्ट किया. जैसे आप इंजेक्ट करोगे देन लिक्विड मेटल विल कन्वर्ट इनटू द पार्टिकल फॉर्म. देख रहा है आपको यहाँ पे लिक्विड मेटल जो आपका है फ्रेंड नोजल से जैसे आएगा तो आप गैस जो नोजल है देखिए यहाँ से जैसे आएगा नीचे गैस नोजल से आप इसको ब्रेक कर दोगे इंटू द एटम फॉर्म. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एटमाइजेशन. व्हाट इज एटमाइजेशन. एटमाइजेशन सिंपली फ्रेंड ब्रेकिंग ऑफ द जेट ठीक है ना विद द हेल्प ऑफ सम मीडियम लाइक गैस हो सकता है वाटर हो सकता है एयर हो सकती है टू कन्वर्ट इनटू दिस स्ट्रीम लिक्विड मेटल की स्ट्रीम है इनटू द एटम फॉर्म. दिस इज प्रोसेस इज कॉल्ड एटमाइजेशन. ठीक है ना ये दिख रहा है आपको कलेक्ट यहाँ पे आपका कलेक्टिंग कंटेनर है. जनरली एयर नाइट्रोजन आर्गन और हीलियम आर यूज्ड फॉर डिसइंटीग्रेशन. क्लियर है तो आपका फ्रेंड जनरली ये यूज होता है. ठीक है क्लियर है ना. बाकी का आपका इतना इंपॉर्टेंट नहीं है. बाकी पार्ट आप इतना समझिए बस यहाँ से ये समझ में आना चाहिए आपको. तो फ्रेंड यहाँ पे देखिए ये चीज लिखिए स्ट्रीम इज ब्रोकन बाय जेट ऑफ इनर्ट गैस एयर एंड वाटर. साइज ऑफ पार्टिकल फॉर्म डिपेंड्स अपॉन ये जो साइज बनेगा पार्टिकल का वो किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. देखिए टेम्परेचर ऑफ मेटल मेटल का टेम्परेचर क्या है इस पर डिपेंड करता है. दूसरा मेटल फ्लो रेट थ्रू द ऑर्फिस कितना मेटल का फ्लो रेट है ऑर्फिस से फ्रेंड इस पर डिपेंड करेगा. प्रेशर ऑफ द जेट जेट का कितना प्रेशर है फ्रेंड नोजल साइड एंड जेट कैरेक्टरिस्टिक. दिस इज द पैरामीटर जिस पे आपका फ्रेंड साइज ऑफ पार्टिकल इज डिपेंड. Size of particle is depend upon these parameters. Yeah. Now process consists of main three stages, friend. Melting, atomization and solidification, cooling. पहले तो melt करोगे आप जो भी metal या non-metal है जिसको particle form में convert करना है पर atom form में convert करना है उसको सबसे पहले melt करोगे. Then atomization with the help of some jet, air jet हो सकता है वो आपका. ठीक है इसके बाद solidification, cooling. Then solidification, cooling. Melting is done by induction, arc plasma or electron beam techniques to maintain purity of metal. Atomization is done by friend high velocity water jet, compressed air or inert gas. Disintegration particles are solidified in controlled atmosphere friend vacuum air or water. And two types of techniques friend there water atomization or gas atomization. So water or gas kuch bhi aap use kar sakte ho theek hai na. Water atomization or gas atomization friend yahan pe maine gas ka example aapko bata diya hai. Is tarike se water ke liye baat karo to ye water ka hai. Water atomization yahan se water aaya strike to this jet and this jet is converted to the और यहाँ पे ये टैंक में आपको नीचे साइड क्या मिल रहा है पाउडर. क्लियर प्रोडक्शन पाउडर विद द हेल्प ऑफ वाटर एटमाइजेशन टेक्निक. राहुल बॉस सर जी एससी के लिए कितना मार्क्स चाहिए पीएससी में जाने के लिए थ्रू द गेट. ये वेरी होता है राहुल ठीक है हर साल वेरी होता है. तो आप कट ऑफ देखिए प्रीवियस ईयर्स के हिसाब से आप जज करिए ठीक है ना. हर साल वेरी होता है. अब कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेटल पाउडर है. तो मेटल पाउडर का जो कैरेक्टरिस्टिक है एक तो केमिकल कंपोजिशन पार्टिकल शेप एंड साइज डिस्ट्रीब्यूशन पार्टिकल पोरोसिटी स्पेसिफिक सरफेस कंपैक्टिंग प्रॉपर्टीज सिंट्रिक प्रॉपर्टी. नाउ कम्स टू द नेक्स्ट प्रोसेस फ्रेंड ब्लेंडिंग. अच्छा आपको एक बार मैं ओवरऑल प्रोसेस बता देता हूँ. ये ओवरऑल प्रोसेस क्या होता है फ्रेंड देखिए फर्स्ट जो प्रोसेस होती है मेटल पाउडर होता है देन ब्लेंडिंग होता है देन कंपैक्शन होता है देन सिंटरिंग एंड देन साइजिंग. ये मैं आपको शुरुआत में बता चुका हूँ ऑलरेडी ठीक है. अब सेकंड प्रोसेस है मेटल मिक्सिंग और ब्लेंडिंग. फ्रेंड यहाँ पे अपने एक दो टेक्निक और अभी रह गई है हमारे उनको भी कवर कर लेते हैं. नाउ फ्रेंड यहाँ पे जैसे एक टेक्निक है दैट इज कॉल्ड सेकंड वन इज कॉल्ड रिडक्शन. रिडक्शन टेक्निक भी है यहाँ पे ये पाउडर फॉर्मेशन टेक्निक है. फ्रेंड प्रोडक्शन में क्या करते हो जनरली जो मेटल ऑक्साइड्स रहती है जो मेटल ऑक्साइड्स जो रहती है
मेटल ऑक्साइड से आप क्या करते हो, ऑक्सीजन रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, तो रिडक्शन में क्या है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। रिडक्शन मेथड भी है जिससे कि आप क्या करते हो, मेटल्स को आप प्राप्त करते हो इन पाउडर फॉर्म। तो यहाँ पे बेसिकली रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड इन्वॉल्व गैस सच एज हाइड्रोजन कार्बन मोनोऑक्साइड एज रिड्यूसिंग एजेंट। यहाँ पर रिड्यूसिंग एजेंट आप लेते हो फ्रेंड, रिड्यूसिंग एजेंट्स जनरल विद द हेल्प ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट लाइक हाइड्रोजन कार्बन मोनोऑक्साइड फ्रेंड, एंड दिस रिड्यूसिंग एजेंट विल रिमूव द ऑक्सीजन फ्रॉम द मेटल ऑक्साइड एंड फाइनली वी गेट द मेटल ओनली इन पाउडर फॉर्म। ठीक है, दिस इज ऑल्सो टेक्निक, रिडक्शन इज वन ऑफ द टेक्निक फ्रेंड। यहाँ पे आप इसको पाउडर फॉर्म में मेटल को प्राप्त करने के लिए ये भी एक टेक्निक है, रिडक्शन क्या है ना। यहाँ पर जो फाइन मेटलिक ऑक्साइड आर रिड्यूस टू द मेटलिक स्टेट। ठीक है, तो फाइन मेटलिक जो ऑक्साइड है वो मेटलिक स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है फ्रेंड। याद रखना ये टेक्निक, एटोमाइजेशन हो गया, रिडक्शन हो गया। नाउ एक टेक्निक और बचती है कोरोजन। ठीक है, तो कोरोजन भी फ्रेंड एक टेक्निक है, बट इट टेक्स वेरी वेरी लॉन्ग। कोरोजन भी एक टेक्निक है फ्रेंड, ये भी याद रखना, कन्फ्यूज करने के लिए दे देता है। कोरोजन भी एक टेक्निक है टू गेट अ मेटल पाउडर। यहाँ पे क्या करते हो, जिस भी आपको मटेरियल है मेटल का फ्रेंड क्या चाहिए, पाउडर चाहिए, तो उसको सल्फ्यूरिक एसिड एंड कॉपर सल्फेट एंड कॉपर सल्फेट, ठीक है ना, में आप डिजोल्व करते हो एंड सेटल डाउन एट द बॉटम टैंक। ठीक है ना, इन सबको आप क्या करते हो, कोरोजन रेजिस्टेंट जो भी मेटल का आपको अच्छा चाहिए तो डिजोल्व इन दिस फ्रेंड। तो सल्फ्यूरिक एसिड कॉपर सल्फेट के जो सॉल्यूशन में आप इसको क्या रखते हो, डिजोल्व करते हो। ठीक है, रखते हो यहाँ पे किसमें, सल्फ्यूरिक एसिड कॉपर सल्फेट। ठीक है ना, ये चीज याद रखना, इट डिजॉल्व्स धीमे धीमे, मेटल जो है आपका डिजॉल्व होता है फ्रेंड एंड सेटल डाउन, डिजॉल्व एंड सेटल्ड डाउन, सेटल्ड डाउन और सेटल हो जाता है नीचे का एट द बॉटम ऑफ द टैंक। ये भी टेक्निक याद रखना, बट इट टेक्स टू मच टाइम, बहुत ज्यादा टाइम लेती है, इसलिए हम कोरोजन टेक्निक का यूज नहीं करते फॉर पाउडर मेकिंग। ठीक है ना, बॉटम ऑफ द, बस आप इसका डिसएडवांटेज ये है, इट टेक्स टाइम, टेक्स टू मच टाइम, इसलिए हम इसका यूज जनरली नहीं करते। ठीक है, आपका यहाँ से मेरे ख्याल से समझ में आया होगा ये सब। अब हम आ जाते हैं फ्रेंड, नाउ कम्स टू द नेक्स्ट, मिक्सिंग और ब्लेंडिंग। तो यहाँ तक तो मेरा ठीक है, हमने ये समझ लिया कि कैसे मेटल पाउडर को बनाते हैं। नाउ अब मेटल पाउडर तो बन गया फ्रेंड, लेकिन अगर हमको कोई प्रोडक्ट बनाना है तो क्या पाउडर से आप शेप दे सकते हो, नो नेवर। तो आप क्या करते हो, मेटल पाउडर को शेप देने के लिए फ्रेंड क्या करते हो, सम लुब्रिकेंट या किसी चीज को आप मिक्स करोगे, जिससे क्या है उसकी मिक्सिंग प्रॉपर्टी बढ़े फ्रेंड, प्लास्टिसिटी बढ़े, समझिए। तो यहाँ पे इन दिस प्रोसेस थ्रू मिक्सिंग ऑफ पाउडर फ्रेंड ऑफ सेम मटेरियल और ऑफ डिफरेंट मटेरियल इज डन फॉर ऑब्टेनिंग द डिजायर्ड प्रॉपर्टी ड्यूरिंग कॉम्पैक्शन सिंटरिंग एंड इन द फाइनल सिंटरिंग कंपोनेंट। तो अगर आप कोई शेप देना चाहते हो, ठीक है, और डिजायर्ड प्रॉपर्टी ऑब्टेन करने के लिए, जस्ट शेप ऑब्टेन करने के लिए फ्रेंड आपको किसी ना किसी की मिक्सिंग करना पड़ेगी। तो पाउडर डायरेक्टली आप शेप नहीं दे सकते पाउडर में, इसलिए उसको कुछ ना किसी के साथ मिलाना पड़ेगा, समझिए। घरों में जैसे आप सीमेंट लगाते हो, तो सीमेंट डायरेक्टली आप नहीं लगाते, उसमें क्या करते हो, उसको प्लास्टिसिटी देने के लिए, स्ट्रेंथ देने के लिए क्या करते हो, वाटर मिलाते हो उसमें। इस तरीके से यहाँ पे पाउडर को अगर आप स्ट्रेंथ दोगे और उसको किसी फॉर्म में ढालना चाहते हो, तो फ्रेंड यू हैव टू मिक्स अप विद सर्टेन लुब्रिकेंट टाइप थिंग्स। यहाँ पे हम क्या करते हैं, जनरली अगर हम बात करें फ्रेंड, तो सिंपली यहाँ पे आप पाउडर ऑफ डिफरेंट मेटल मटेरियल कैन बी ब्लेंडेड इन ऑर्डर टू गिव फ्रेंड क्या, सर्टेन फिजिकल एंड मैकेनिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखने जा रहा हूँ, देखिए आप ध्यान से। जनरली क्या होता है, यहाँ पे फ्रेंड पाउडर ऑफ डिफरेंट मेटल्स एंड मटेरियल कैन बी ब्लेंडेड, पाउडर ऑफ डिफरेंट मेटल्स एंड फ्रेंड मटेरियल्स, मेटल्स एंड मटेरियल्स कैन बी ब्लेंडेड, कैन बी ब्लेंडेड इन ऑर्डर फ्रेंड, इन ऑर्डर टू इम्पार्ट व्हाट स्पेसिफिक फ्रेंड फिजिकल, स्पेसिफिक फिजिकल एंड मैकेनिकल प्रॉपर्टी, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ध्यान रखिए, एंड कैरेक्टरिस्टिक टू द पीएम पार्ट्स, एंड टू द पीएम मतलब पाउडर मेटलर्जिकल पार्ट्स, क्लियर है। तो मिक्सचर ऑफ पाउडर कैन बी मेड फ्रॉम मेटल एलॉय
ठीक है ना, इसको ब्लेंड करते हैं प्रॉपर। तो प्रॉपर मिक्सिंग असेंशियल टू इंश्योर यूनिफॉर्मिटी ऑफ प्रॉपर्टीज थ्रू आउट द पार्ट। तो प्रॉपर मिक्सिंग जरूरी है टू इंश्योर यूनिफॉर्मिटी, यूनिफॉर्मिटी ऑफ स्ट्रेंथ। मिहिर आई विल टेल यू, मैं आ रहा हूँ मैं उस पर सिंटरिंग पे, ठीक है ना, सिंटरिंग पे आ रहा हूँ मैं, नॉट वरी, ठीक है, सिंटरिंग पे आऊंगा, प्री सिंटरिंग, सिंटरिंग, हॉट आइसोस्टेटिक सिंटरिंग सब पढ़ेंगे, ठीक है। तो लुब्रिकेंट कैन बी मिक्स, यहाँ पे एक अल्टरनेटिव भी हो सकता है फ्रेंड, यहाँ पे एक अल्टरनेटिव भी हो सकता है, लुब्रिकेंट, लुब्रिकेंट्स कैन बी मिक्स्ड विथ पाउडर, पाउडर के साथ आप लुब्रिकेंट को बनाते हैं विथ पाउडर फ्रेंड, टू इम्प्रूव, टू इम्प्रूव देयर व्हाट फ्लो कैरेक्टरिस्टिक, जैसे कि आसानी से फ्लो हो और वो डिजायर्ड शेप में फ्रेंड क्या हो पाए, फिल हो पाए, ठीक है ना। ये चीज याद रखना, फ्लो कैरेक्टरिस्टिक को बढ़ाने के लिए हम लुब्रिकेंट के साथ पाउडर को मिक्स करते हैं, तो यहाँ पे टू इम्प्रूव देयर फ्लो कैरेक्टरिस्टिक, क्लियर है, ये चीज याद रखिए, है ना। और सम टाइम, अब इससे फायदा क्या होगा, दे रिड्यूस ऑल्सो फ्रिक्शन बिटवीन द मेटल पार्टिकल, एक पर्पज ये भी होगा, ये इट रिड्यूसेस फ्रिक्शन बिटवीन मेटल पार्टिकल्स, जो मेटल पार्टिकल्स हैं पाउडर फॉर्म में उसके बीच में फ्रिक्शन को भी ये लुब्रिकेंट रिड्यूस करता है, क्लियर। एंड इम्प्रूव फ्लो ऑफ द पाउडर मेटल इन टू द डाइस, और इम्प्रूव फ्लो ऑफ मेटल पाउडर फ्रेंड इनटू द डाइस, डाइस में आसानी से फ्लो हो पाए और डिजायर्ड शेप हम ऑब्टेन कर पाए। रोशन कुमार, नो, न्यूमेरिकल नहीं है इसमें फ्रेंड, ये थियोरेटिकल टॉपिक है, जरूरी न्यूमेरिकल नहीं आते यहाँ से, किसी भी एग्जाम में नहीं पूछे जाते, यहाँ बेसिकली इस टॉपिक यहाँ से थ्योरी आती है, ठीक है। ईएनसी के आप क्वेश्चन लगाइए, और आपके गेट में भी एक दो क्वेश्चन आ रखे हैं, दो या तीन क्वेश्चन आ रखे हैं, ठीक है, थ्योरी थ्योरी आती है यहाँ से। तो मेटल पाउडर आसानी से फिल हो सके डायमंड फ्रेंड, एंड इम्प्रूव डाई लाइफ, डाई लाइफ इससे बढ़ती है। तो ये आपका ब्लेंडिंग और फ्रेंड, इसका ब्लेंडिंग का आपका ये पर्पस होता है, ठीक है, इम्प्रूव द डाई लाइफ, क्लियर है, ठीक है ना। तो जनरली हम कभी कभी बाइंडर्स भी यूज करते हैं यहाँ पे, तो बाइंडर सम टाइम बाइंडर्स यूज करते हैं टू डेवलप स्ट्रेंथ। जब आप लुब्रिकेंट मिला देते हो उस समय जो स्ट्रेंथ होता है कंपोनेंट का फ्रेंड, दैट इज कॉल्ड ग्रीन स्ट्रेंथ। सम टाइम स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए आप बाइंडर्स का भी यूज करते हो, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। तो बाइंडर्स इज ऑल्सो यूज्ड एट दिस स्टेज। यहाँ पे मिक्सिंग और ब्लेंडिंग का पर्पज आपको समझ में आ गया होगा। देखिए ब्लेंडिंग और मिक्सिंग जनरली फ्रेंड, देखिए ये आप इस तरीके से कर सकते हो, सिलेंड्रिकल, यहाँ पे देखिए सिलेंड्रिकल जो रोटर है ये वाला, आप देखिए रोटेटिंग क्यूब में, डबल कोन में, जैसे आपने देखा है कंक्रीट की जो मिक्सिंग होती है, एक आपने देखा होगा जहाँ कंस्ट्रक्शन चलता है, कंक्रीट मतलब सीमेंट और जो आपका फ्रेंड सैंड और जो कंक्रीट है उसको मिक्स करते हो आप, है ना, एक कंटेनर में, आपने देखा होगा, जो इस तरीके से यहाँ पे होता है ब्लेंडिंग और मिक्सिंग, इसी तरीके से फ्रेंड यहाँ पे होता है, डिफरेंट डिफरेंट ये सेटअप्स। मिक्सिंग और ब्लेंडिंग फ्रेंड, सर्टेन मटेरियल लाइक ग्रेफाइट, स्टेरिक एसिड, स्टेरेट्स एंड ZN एंड Li, ETC आर एडेड टू दिस पाउडर ड्यूरिंग मिक्सिंग, व्हिच मे हैव वन ऑफ द मोर ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन, इट मे एक्ट एज अ लुब्रिकेंट। आप यहाँ ये क्वेश्चन बनता है कि स्टेरिक एसिड और स्टेराइड ऑफ जिंक एंड लिथियम ये आप बनाते हैं, ठीक है ना। बात, इट मे इजिली ट्रांसफॉर्म टू अ गैस और वेपर, it creates porosity during sintering friend, this can be used to control porosity of the component, ठीक है, porosity of control करता है component की friend, ठीक है ना। it may act as binder, तो lubricant जो है ये binder की तरह भी act करता है, तो increasing green strength which facilitate handling of cold component, and this is the basic purpose of what, ठीक है ना। तो समटाइम लुब्रिकेंट की तरह एक्ट करता है, ठीक है, पोरोसिटी को भी कंट्रोल करता है, बाइंडर होता है तो ग्रीन स्ट्रेंथ को बढ़ाता है फ्रेंड, दिस इज द बेसिक प्रॉपर्टी, ठीक है ना। अब नेक्स्ट इज कॉम्पैक्ट, देखिए आपने पाउडर बना लिया, ठीक है, पाउडर बन गया, उसको मिक्स कर दिया प्रॉपर, ठीक है ना,
जैसे अब क्या करना है, कॉम्पैक्टिंग में फ्रेंड हम उसको शेप देते हैं। जैसे घरों में आप देखिए, आप क्या करते हो फ्रेंड, फ्लोर लेते हो, फ्लोर मतलब आटा, आटा में पानी मिलाया आपने तो एक पेस्ट बन गया। उसके बाद आप रोटी बनाने के लिए क्या करते हो, उसको एक पर्टिकुलर शेप देने के लिए आप क्या करते हो, जो होता है ना बेलन, उससे आप उसको प्रेस करते हो, ठीक है। तो दिस इज डाई इन दिस केस। इस तरीके से कॉम्पैक्टिंग इज द प्रोसेस जिसमें आप क्या करते हो फ्रेंड, जो आपने पेस्ट बनाया है ब्लेंडिंग करके फ्रेंड लुब्रिकेंट का, उसको पर्टिकुलर शेप देने के लिए हम कॉम्पैक्टिंग करते हैं। कॉम्पैक्टिंग इज बेसिकली अ प्रोसेस फ्रेंड, यहाँ पे आप क्या करते हो, डाइस के बीच में डिजायर्ड शेप जो भी होता है ऑप्टेन करने के लिए प्रेस करते हो, किसको फ्रेंड, जो आपको मटेरियल मिला है अलॉन्ग विद द लुब्रिकेंट ब्लेंडिंग के बाद उसको सिंपल। तो कॉम्पैक्टिंग इन मेटल डाइस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट मेथड फॉर शेपिंग शेपिंग ऑफ द मेटल पाउडर। तो मेटल पाउडर को शेप देने के लिए ये सबसे इंपॉर्टेंट मेथड है। तो कॉम्पैक्टिंग इज यूज्ड टू शेपिंग ऑफ द मेटल पाउडर। तो पाउडर फ्रेंड मिक्स इज फेड इनटू द डाई कैविटी थ्रू ए हॉपर एंड फीड शू इज ऑसिलेटेड टू असिस्ट पाउडर फ्लो। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं, बस आप बस ये वाला पार्ट याद रखिए। द वॉल्यूम ऑफ पाउडर फ्रेंड इज कंट्रोल्ड बाय एडजस्टिंग द पोजीशन ऑफ बॉटम पंच इन द डाई कैविटी। द डाई हैज बीन इवनली फिल्ड विथ पाउडर फ्रेंड, दीज अपर सरफेस इज लेबल्ड बाई ए स्वैप ऑफ फीट शू। तो हम इसको थोड़ा सा डायग्राम के थ्रू समझते हैं फ्रेंड। तो विद द हेल्प ऑफ दिस डायग्राम देखिए, आफ्टर मैक्सिमम कंप्रेशन द अपर पंच इज रिमूव फ्रेंड। तो जब मैक्सिमम कंप्रेशन पहुंच जाए तो ऊपर वाला पंच को आप रिमूव करोगे, जो आपको सेव चाहिए लाइक दिस सेव। देख रहे हैं, सबसे पहले ये मेटल पाउडर को हमने इस यहाँ पे पोर किया, ठीक है ना, यहाँ पे डाला। इसके बाद अपर प्लंजर से हमने ये पहले लोअर जो प्लंजर है यहाँ पे फिट रहेगा, यहीं पे रहेगा आपका, और मूवेबल पार्ट ये है इस समय, ठीक है। तो अपर प्लंजर की हेल्प से मैंने इसको प्रेस किया, इस पाउडर को प्रेस करने के बाद फ्रेंड ये शेप मिला हमको यहाँ पे आफ्टर प्रेसिंग, ठीक है। तो यहाँ से भी फोर्स लगाया आपने, यहाँ से भी लगाया आफ्टर प्रेसिंग, दिस इज द कंपोनेंट। अब इसको आपने ऊपर इजेक्शन के लिए जो लोअर डाई है उसको ऊपर किया और इस पार्ट को आपने बाहर रिमूव कर लिया लाइक दिस, ये पार्ट आपको फाइनली मिल गया। ये आपका फ्रेंड कंपेक्टिव में क्या है, आप डाइस के बीच में प्रेस करते हो, ठीक है ना। तो इसमें जो तरीके हैं, सही है, तरीके क्या होते हैं, ठीक है ना। इट इज जैसे कॉम्पैक्शन को कभी कभी याद रखना बुक्स में दिया रहता है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज आइसो स्टैटिक प्रेसिंग। तो हम आइसो स्टैटिक प्रेसिंग के नाम से भी जानते हैं, इसके नाम से आइसो स्टैटिक प्रेसिंग के नाम से भी फ्रेंड जानते हैं। तो कॉम्पैक्टिंग में बेसिकली अगर हम बात करें फ्रेंड, यहाँ पे देखिए इजेक्शन फाइनली प्रोडक्ट हमको ये मिल गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये दो तरीके से होती है। फर्स्ट इज सिंगल एक्शन। सिंगल एक्शन फ्रेंड क्या होता है कि आपका केवल एक पंच होता है, मतलब आप डबल एक्शन में देखिए दो पंच होते हैं, तो ये डबल एक्शन। सिंगल एक्शन में देखो, सिंपल आपको एग्जाम्पल समझा रहा हूँ, समझना ध्यान से देखिए कि मान लो आप फ्रेंड ये मेटल पाउडर है, मेटल पाउडर यहाँ पे ये भरा हुआ है, आपने इसको पंच की हेल्प से यहाँ पे सिंपल सा ये पंच है, ठीक है, ये मेटल पाउडर है नीचे जो आपको दिख रहा है, तो ये दिस इज कॉल्ड सिंगल एक्शन डाई, दिस इज सिंगल एक्शन। और फ्रेंड इन डबल एक्शन यू हैव टू पुश और अप्लाई द फोर्स फ्रॉम बोथ द साइड, अपर एंड लोअर। तो इसमें अपर और लोअर डाइस होती है, दिस इज कॉल्ड डबल एक्शन। क्या बोलते हैं उसको, डबल एक्शन डाइस। डबल एक्शन डाइस का एग्जाम्पल था। और सिंगल एक्शन में सिंपली एक पंच होता है, ठीक है फ्रेंड, सिंपल अपर पंच केवल होता है, ठीक है ना, और डाई होती है डाई, डाई इस तरीके से आप प्रेस कर देते हैं सिंपल। और प्रॉपर्टीज जो है आपको फ्रेंड, प्रॉपर्टीज डबल एक्शन जो डाई वाला सिस्टम है, जैसे जो यहाँ पे आपको दिया हुआ है, यहाँ पे आपको प्रॉपर्टीज क्या मिलती है फ्रेंड, यूनिफॉर्म मिलती है। क्योंकि तो आप अच्छे से प्रेस करते हो उसको, प्रॉपर यूनिफॉर्म प्रॉपर्टी मिलती है। मटेरियल के बीच में इंट्रैक्शन पाउडर के बीच में ज्यादा होता है, तो दिस इज द बेस्ट वे ऑफ कंपैक्शन। कौन सा, डबल एक्शन, ठीक है, जिसमें आपका फ्रेंड क्या होता है, देखिए दो डाई है जिसमें, दो पंच है सॉरी, ठीक है ना, दो पंच है, समझ रहा है, दिस इज द डाई दिस इज द पंच। तो जब आप दोनों साइड से फोर्स लगाते हो, जो प्रॉपर्टी मिलती है आपको बेहतर मिलती है एज कम्पेयर टू द सिंगल एक्शन। सिंगल एक्शन में फ्रेंड केवल सिंगल पंच रहता है इस तरीके से। तो अगर आपको मान लो ये से पे, ये आपका पाउडर फ्रेंड यहाँ पे कंप्रेस हो गया, दिस लाइक दिस, ये पंच हो गया, ऊपर वाला सेक्शन क्या हो गया, पंच हो गया, और ये डाई हो गया, क्लियर। और ये आपका ये कंपोनेंट जो आपको चाहिए यहाँ पर आ गया, ठीक। तो ये याद रखना आप। नाउ कम्स टू द नेक्स्ट पॉइंट, कॉम्पैक्टिंग। द मोस्ट इंपोर्टेंट इफेक्ट ऑफ कॉम्पैक्टिंग आर एज फॉलोज फ्रेंड, इट रिड्यूस वॉइड बिटवीन द पाउडर पार्टिकल्स एंड इंक्रीज द डेंसिटी ऑफ। ऑब्वियस बात है फ्रेंड, जब आप प्रेस करोगे, पंच करोगे, मतलब प्रेस करोगे आप बिटवीन टू डाइस किसी भी पाउडर को, तो ऑब्वियस बात है उसकी डेंसिटी बढ़ेगी, ठीक है, इंक्रीज द डेंसिटी ऑफ द कॉम्पैक्ट, और पाउडर के जो बीच में जो वॉइड है वो आपको फ्रेंड कम होगा, ऑब्वियस बात है। देखिए आप यहाँ पे अगर हम यहाँ बात करें सिंपल,
तो आप क्या है, जैसे इसको जहाँ पंच आप कॉम्पैक्ट करोगे या इसको फ्रंट फोर्स अप्लाई करोगे, तो ऑब्वियस सी बात है ये जो पाउडर है इसके बीच में वॉइड कम होगा और इसकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी, डेंसिटी बढ़ेगी। रोशन कुमार सर, पहले ग्राइंडिंग आफ्टर कास्टिंग, ये क्या बोलना चाह रहे हैं रोशन? ठीक है ना, तो ये आपका पहला क्या है फ्रेंड, इफेक्ट है। दूसरा, इट प्रोड्यूसेस एडक्शन एंड कोल्ड वेल्डिंग ऑफ द पाउडर्स एंड गिव सफिशियंट ग्रीन स्ट्रेंथ। तो ग्रीन स्ट्रेंथ देता है प्रॉपर, एडक्शन बढ़ाता है, ठीक है, कोल्ड वेल्डिंग ऑफ द पाउडर फ्रेंड। तो यहाँ पे सिंपल सा ये पॉइंट क्या बोलना चाह रहे हैं, ओवरऑल स्ट्रेंथ बढ़ाता है। बाई डूइंग कंपैक्शन स्ट्रेंथ ऑफ द कंपोनेंट इंक्रीजेस। इट इज प्लास्टिकली डिफॉर्म द पाउडर एंड अलाउ रिक्रिस्टलाइजेशन ड्यूरिंग सब्सिक्वेंट सिंटरिंग। इसके बाद हम सिंटरिंग ऑपरेशन करते हैं और ये जनरली डिफॉर्म करता है प्लास्टिकली फ्रेंड पाउडर को, और जिससे कि आसानी से मिक्सअप हो पाए। ठीक है फ्रेंड, दिस इज द व्हाट कॉम्पैक्शन। कॉम्पैक्शन के जो इंपॉर्टेंट इफेक्ट्स थे ये याद रखिए, दिस इज द इफेक्ट ऑफ कॉम्पैक्शन, ये लिखने के लिए कन्वेंशनल में आते हैं। क्लियर है? नाउ कम्स टू द सिंटरिंग स्टेज फ्रेंड। तो कॉम्पैक्शन के बारे में हमने पढ़ लिया, नाउ कम्स टू द सिंटरिंग स्टेज। तो कॉम्पैक्शन में अच्छा एक चीज और भी है, अगर कॉम्पैक्शन की अगर हम बात करें तो कॉम्पैक्शन में बेसिकली आपके दो तरीके कॉम्पैक्शन होता है, एक तो होता है कोल्ड, एक होता है हॉट। ठीक है ना, तो यहाँ पे बेसिकली अगर हम बात करें तो इसको भी हम देख लेते हैं थोड़ा सा कि हॉट कोल्ड में क्या डिफरेंस है, तो इसको थोड़ा सा हम अलग से देख लेते हैं पहले, उसके बाद हम सिंट्रिक पे मूव करेंगे। क्लियर है? यहाँ पे सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कोल्ड आइसोस्टेटिक प्रोसेस, ये भी एक कॉम्पैक्शन का फ्रेंड तरीका है, ये इस तरीके की चीजें पूछी जा चुकी है। कोल्ड आइसो क्या होता है, कॉम्पैक्शन का तरीका है पहला कोल्ड आइसोस्टेटिक प्रेसिंग। व्हाट डू मीन बाय दिस? तो आइसोस्टेटिक प्रेसिंग क्या होती है, ग्रेडिंग करके प्रोडक्ट बनाने के लिए कास्टिंग करेंगे, कास्टिंग नहीं करेंगे, इसमें कास्टिंग क्यों करेंगे? यहाँ पे पाउडर फॉर्म में आप मटेरियल को लेते हो और उसको ब्लेंड करते हो प्रॉपरली, ठीक है, उसके बाद आप डाइस के बीच में उसको कॉम्पैक्ट करते हो, तो जो प्रोसीजर आपको समझ में आ रहा होगा मेरे ख्याल से, है ना। तो यहाँ पे कोल्ड आइसोस्टेटिक प्रोसेस में फ्रेंड सिंपल सा मैं आपको बताऊं, यहाँ पे देखिए किस तरीके से सेटअप रहता है। सिंपल फ्रेंड मैं एक एग्जांपल थ्रू समझा रहा हूँ आपको। मान लो फ्रेंड कोई भी कंपोनेंट है, समझना आप, ये कोई भी कंपोनेंट है, इसकी स्ट्रेंथ हमको बढ़ानी है। कॉम्पैक्शन का तरीका क्या है, ये फ्रेंड आपका हो गया क्या और की जो लेयर है, ठीक है ना। तो कोल्ड आइसोस्टेटिक प्रेसिंग में बेसिकली हम क्या करते हैं, विद द हेल्प ऑफ, देखिए मेटल पाउडर इज प्लेस्ड इन ए फ्लेक्सिबल रबर मोल्ड फ्रेंड। तो यहाँ पे आप जो मेटल पाउडर है फ्रेंड, दैट इज मेटल पाउडर, यहाँ से सुनना, इज प्लेस्ड, मेटल पाउडर को आप प्लेस करते हो कहाँ पे, मेटल पाउडर इज प्लेस्ड इन अ फ्लेक्सिबल फ्रेंड, फ्लेक्सिबल व्हाट, फ्लेक्सिबल रबर मोल्ड, रबर मोल्ड, फ्लेक्सिबल रबर मोल्ड के अंदर रखते हो, जस्ट लाइक दिस, फ्लेक्सिबल रबर मोल्ड, ठीक है ना, फ्लेक्सिबल रबर मोल्ड, इस तरीके का हार्ड आपका मोल्ड रहता है, समझ लो, फ्लेक्सिबल रबर मोल्ड लाइक दिस, लाइक दिस, फ्लेक्सिबल रबर मोल्ड, मेटल पाउडर प्लेस्ड इन ए फ्लेक्सिबल रबर मोल्ड फ्रेंड। तो रबर मोल्ड जनरली आपके किसकी बनी रहती है, न्यूप्रोन, न्यूप्रोन इन रबर होती है जनरली जो हम लेते हैं इसमें, और फ्रेंड यूरेथेन हो सकता है, ठीक है। तो मटेरियल इज नॉट सो इम्पोर्टेंट, आप इतना याद मत रखिए, ठीक है ना, एंड पीवीसी भी लेते हैं फ्रेंड। इसके बाद क्या होता है, एंड अदर इलास्टोमर, असेंबली ऑफ इज देन प्रेसराइज्ड हाइड्रोस्टेटिकली इन चैम्बर। तो ये आपका चैम्बर हो गया फ्रेंड, यहाँ पर हाइड्रोस्टेटिकली आप क्या करते हो, असेंबली को प्रेसराइज करते हो। तो हाइड्रोस्टेटिकली मतलब यहाँ प्रेशर का कोई सोर्स होगा आपका, ठीक है, प्रेशर सोर्स फ्रेंड, ठीक है ना। तो हाइड्रोस्टेटिकली आप क्या करते हो, उसको फ्रेंड प्रेशराइज करते हो, लाइक विद वाटर, एग्जाम्पल फॉर वाटर। तो वाटर की हेल्प से ये जो है फ्रेंड इसको आप प्रेशराइज करोगे, इसके प्रेशर के कारण दिख रहा है आपको अंदर फ्रेंड, यहाँ पे जो है आप यहाँ वाटर सप्लाई करोगे और इसके प्रेशर के कारण आपका क्या होगा फ्रेंड, दिस वाटर इज प्रेसेस द व्हाट कंपोनेंट। यहाँ पे जो रबर मोल्ड है सिंपल सा प्रेशर वेसल है, दिस इज एक्चुअली जो बाहर के लिए ये प्रेशर वेसल, ठीक है, प्रेशर वेसल, यहाँ रबर की मोल्ड आपकी जो ये वाली है ना, दिस इज रबर मोल्ड, ठीक है ना। तो आप क्या करोगे, यहाँ
सिंपल सर, प्रेशर सोर्स वाटर की हेल्प से फ्रेंड आप रबर मोल्ड को प्रेशराइज करोगे बैक को, और वो प्रेशराइज किसको करेगा, कंपोनेंट को। सिंपल समझना आप बात को फ्रेंड। यहाँ पे क्या करोगे, ये आपका प्रेशर वेसल है, सिंपली दिस इज प्रेशर वेसल। ठीक है, प्रेशर वेसल से मान लो आपका ये फ्रेंड मटेरियल है जिसको आप क्या करना चाहते हो, कॉम्पैक्ट करना चाहते हो। तो सिंपली आप क्या करोगे, प्रेशर वेसल मतलब यहाँ पे जो वाटर है फ्रेंड, तो प्रेशराइज वाटर आप यूज करोगे। ये वाटर इसको पुश करेगा किसको, रबर को। ये रबर का बना होता है, दिस इज मेड अप ऑफ रबर, ये वाला पार्ट। ये इसको प्रेशराइज करेगा, तो उसके प्रेशर के कारण आपका फ्रेंड क्या होगा, इस पे आपका फोर्सेस आएंगे बिकॉज ऑफ दिस। अब फोर्स जो आएंगे फ्रेंड, दिस इज कॉल्ड कोल्ड आइसोस्टेटिक प्रेसिंग। सिंपल से आप ये समझिए, यहाँ पे आप हाइड्रोस्टेटिकली उसको कंप्रेस कर रहे हो इन अ चैम्बर यूजली विथ वाटर फ्रेंड। ठीक है, तो वाटर इज एक्सर्टिंग अ फोर्स, बिकॉज ऑफ दिस फोर्स अ कॉम्पैक्शन प्रोसेस इज कैरिड आउट। सिंपल आप इतना याद रखिए, ठीक है ना। तो कॉम्पैक्शन प्रोसेस इज कैरिड आउट विद हेल्प ऑफ सम प्रेशराइज्ड सोर्स, इतना याद रखिए आप, क्लियर है। तो हाइड्रोस्टेटिकली प्रेशराइज करते हो, दिस इज कॉल्ड कोल्ड आइसोस्टेटिक प्रेसिंग। तो मेटल पाउडर प्लेस्ड इन फ्लेक्सिबल रबर, सो मेटल पाउडर एक फ्लेक्सिबल रबर के साथ आप रखते हो, फ्लेक्सिबल फ्रेंड रबर, तो रबर सोर्स आपका ये हो सकता है। तो मेटल पाउडर इज प्लेस्ड विद फ्लेक्सिबल रबर, और इस फ्लेक्सिबल रबर को कौन प्रेशराइज करता है, वाटर। उसके प्रेशर के कारण रबर आपकी दबेगी, रबर क्या करेगी, कंपोनेंट को दबाएगी, और इस तरीके से आपको क्या होगा, कॉम्पैक्शन होगा। सिंपल, तो ये याद रखना, कोल्ड आइसोस्टेटिक प्रेस, क्लियर है ये, ठीक। नाउ कम्स टू फ्रेंड नेक्स्ट, इसी तरीके से हम बात करें तो यहाँ पे एक और होता है हॉट आइसोस्टेटिक प्रेसिंग। क्या होता है फ्रेंड, हॉट आइसोस्टेटिक प्रेसिंग। तो हॉट, देखिए हॉट आइसोस्टेटिक, तो जैसा कि आपको समझ में आ रहा है कि हॉट आइसोस्टेटिक प्रेसिंग फ्रेंड क्या होगा, वहां पे इससे पहले हमने टेम्परेचर की कोई बात नहीं कही थी, कोल्ड आइसोस्टेटिक प्रेसिंग। हॉट आइसोस्टेटिक प्रेसिंग फ्रेंड क्या है, एक कंटेनर, जहाँ पे जो कंटेनर होता है फ्रेंड, कंटेनर यूज करते हो आप, एंड दिस इज यूजली मेड अप ऑफ हाई मेल्टिंग, क्योंकि आपका किसका बना रहता है, हाई मेल्टिंग फ्रेंड, हाई मेल्टिंग पॉइंट सीट स्टील का बना रहता है, ठीक है ना, सीट स्टील, ठीक है ना, शीट मेटल, सॉरी शीट मेटल, क्लियर। अब यहाँ पे क्या होता है, प्रेशराइज मीडियम इज जनरली, यहाँ पे जो प्रेशराइज मीडियम लेते हो फ्रेंड, आप क्या लेते हो, प्रेशराइज मीडियम इज गैस, जनरली इनर्ट गैस लेते हो, ठीक है, इनर्ट गैस, ठीक है फ्रेंड। तो प्रेशराइज मीडियम इनर्ट गैस लेते हो, हाई मेल्टिंग पॉइंट सीट मेटल का आपका वेसल रहता है कंटेनर, उसके अंदर आप क्या करते हो फ्रेंड, कंपोनेंट को रखते हो, और जो एयर का प्रेशर आता है इनर्ट गैस का, उसके कारण आपको क्या होता है फ्रेंड, यहाँ पे फोर्सेस लगते हैं, बिकॉज ऑफ दिस कॉम्पैक्शन प्रोसेस इज कैरिड आउट। हॉट आइसोस्टेटिक प्रेसिंग में टेम्परेचर आपका क्या रहता है फ्रेंड, ज्यादा रहता है, एक कंटेनर रहता है, उस कंटेनर में हाई मेल्टिंग पॉइंट शीट रहता है फ्रेंड, उसका बना रहता है। जनरली आपका जो यहाँ पे एक बेसिकली हम बात करें तो हीटिंग कॉइल आप यूज करते हैं, कंटेनर के अंदर हीटिंग कॉइल लगी रहती है, साथ में प्रेशराइज मीडियम आप क्या लेते हो फ्रेंड, इनर्ट गैस। तो इनर्ट गैस प्रेशराइज करता है किसको, मेटल को, और या जो पाउडर है उसको, सो दैट इट इज कन्वर्टेड इनटू द कॉम्पैक्ट फॉर्म। सिंपल, यहाँ पे टिपिकली ऑपरेटिंग कंडीशन जो होती है 100 मेगा पास्कल आप लेते हो फ्रेंड, ठीक है ना। ये चीज याद रखना, द मेन एडवांटेज ऑफ एच आई पी इज एबिलिटी टू प्रोड्यूस फ्रेंड। यहाँ एडवांटेज क्या है एज कम्पेयर टू द कोल्ड आइसोस्टेटिक प्रेसिंग, यहाँ एडवांटेज फ्रेंड ये, जो आपका डेंसिटी मिलती है वो बहुत अच्छी मिलती है, 100% डेंस प्रोडक्ट आपको मिलता है, दिस इज एडवांटेज ओवर द कोल्ड आइसोस्टेटिक प्रेस, दिस इज द एडवांटेज ओवर द कोल्ड आइसोस्टेटिक प्रेस। तो हॉट और कोल्ड में आप अंतर समझिए, यहाँ पे जो कंडीशन है फ्रेंड, यहाँ पे हीटेड कॉइल रहती है, एक कंटेनर रहता है जो हाई मेल्टिंग पॉइंट सीट का बना रहता है, उस कंटेनर के अंदर प्रेशराइज गैस को हम फ्लो कराते हैं, जो प्रेशराइज करती है किसको, पाउडर को, बिकॉज ऑफ दिस कॉम्पैक्शन प्रोसेस इज कैरिड आउट। सिंपल, यहाँ पे आपको गुड मैकेनिकल प्रॉपर्टी यहाँ पे अच्छी मिलेंगी, गुड मैकेनिकल प्रॉपर्टीज फ्रेंड, है ना, ये चीज याद रखोगे। और डेंसिटी भी फ्रेंड यहाँ पे अच्छी मिलती है, डेंसिटी इज वेरी वेरी हाई, ठीक है ना, तो ये इसलिए अच्छा मेथड है कंपेयर टू द कोल्ड, क्लियर है। अब आगे बढ़ते फ्रेंड, ठीक है, सिंटरिंग कम्स टू द नेक्स्ट फ्रेंड, सिंटरिंग। तो सिंटरिंग क्या है, सिंटरिंग में बेसिकली देखिए, सिंटरिंग की बात हम करें तो सिंटरिंग इज कैरिड आउट टू इंक्रीज स्ट्रेंथ एंड हार्डनेस, फर्दर ये किसके बाद होती है, कॉम्पैक्शन के बाद। तो सिंटरिंग इज कैरिड आउट टू इंक्रीज स्ट्रेंथ एंड हार्डनेस ऑफ अ ग्रीन कॉम्पैक्ट एंड कंसिस्ट ऑफ हीटिंग द कॉम्पैक्ट टू सम टेम्परेचर अंडर कंट्रोल्ड कंडीशन विथ और विदाउट प्रेशर फॉर अ डेफिनेट टाइम। तो फ्रेंड सिंटरिंग का मतलब समझ में आया, कोई पूछ रहा था सिंटरिंग
मिहिर सिंटरिंग का मतलब ये है, सिंटरिंग इज कैरिड आउट टू इंक्रीज स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए करते हैं। जनरली डिफ्यूजन प्रोसेस यहाँ पे होता है, बिकॉज ऑफ डिफ्यूजन मेटल मेटल बॉन्डिंग विल टेक्स प्लेस एंड बिकॉज ऑफ दिस प्रॉपर बॉन्डिंग और स्ट्रेंथ विल इंक्रीज ना। यहाँ पे इंक्रीज स्ट्रेंथ एंड हार्डनेस ऑफ अ ग्रीन कम्पैक्ट कमिंग फ्रॉम द कॉम्पैक्शन consists of heating the compact frame to some temperature under controlled condition with or without pressure for a definite time. This process is called as sintering. So sintering process is concerned with diffusion. This takes place especially on the surface of particle as the temperature rises. ठीक है ना, तो यहाँ पे और densification, density बढ़ा देते हो आप, porosity को कम करते हो, decrease porosity, density बढ़ती है, ठीक है, increase particle contact, ठीक है, this is another method, densification. सेंट्री का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। तो डिफ्यूजन बेसिकली यहाँ पे होता है, यहाँ पे कॉम्पैक्ट मेटल पाउडर इज हीटेड इन ए कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर फर्नेस्ड टू अ टेम्परेचर बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट। इसी याद रखना फ्रेंड, यहाँ बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट की बात कर रहा है, ठीक है, याद रखना ये चीज। देखिए यहाँ पे मैं लिखने जा रहा हूँ, लिख लो आप, यहाँ पे सिंटरिंग, सिंटरिंग इज द प्रोसेस फ्रेंड, प्रोसेस है जहाँ पे वेयर बाई कॉम्पैक्टेड compacted metal powder is heated, friend, compacted metal powder is heated in a controlled atmosphere, the controlled atmosphere, friend, atmosphere furnace to a temperature below its melting point, atmosphere furnace, controlled atmosphere furnace, याद रखोगे आप फ्रेंड, टू ए टेम्परेचर, ठीक है ना, ब्लो इट्स मेल्टिंग पॉइंट, क्लियर है, दिस इज सिंटरिंग प्रोसेस, बेसिकली दिस इज सिंटरिंग प्रोसेस, क्लियर है, सिंटरिंग आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड, द पॉसिबल डिफ्यूजन मैकेनिज्म आर सरफेस डिफ्यूजन, वॉल्यूम डिफ्यूजन, ग्रेन बाउंड्री डिफ्यूजन, इवेपोरेशन कंडेंसेशन, ठीक है ना, दिस इज द केस ऑफ सिंटरिंग। सिंटरिंग केस में जो पॉसिबल डिफ्यूजन का जो फिनोमेना है, बेसिकली होता क्या, देखिए यहाँ पे क्या होता है, जो बॉन्डिंग होती है डिफ्यूजन के थ्रू होती है, किस तरीके से होती है, ऐसे समझिए आप, सबसे पहले मान लो दो एटम आए, ठीक है ना, पर जैसे आपने फोर्स लगाया यहाँ पे, बिकॉज ऑफ दिस नेक फॉर्मेशन विल टेक्स प्लेस, नेक फॉर्मेशन जो होती है पहली स्टेप होती है, नेक फॉर्मेशन टेक्स प्लेस, दिस इज कॉल्ड नेक फॉर्मेशन, ये दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड नेक फॉर्मेशन, नेक फॉर्मेशन विल टेक्स प्लेस फर्स्ट, डिफ्यूजन विल टेक्स प्लेस, सबसे पहला फिनोमेना होता है नेक फॉर्मेशन, नेक फॉर्मेशन विल टेक्स प्लेस फ्रेंड, ठीक है, बाय डिफ्यूजन, ठीक है, जो कि यहाँ पे देख रहा है ना, ये वाला जो फेज है, दिस इज नेक फॉर्मेशन फेज, क्लियर है। इसके बाद फिर क्या है, डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल सेंटर डिक्रीज, फ्रेंड, अब फर्दर जब फोर्स लगेगा तो डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल इज डिक्रीज, अगेन क्या होगा कि इस तरीके से पास आने चालू होंगे, तो डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर डिक्रीजेस, ठीक है ना, ये चीज याद रखना, पार्टिकल बॉन्डेड, distance between center decreases, particle bonded, particle, this is the basic mechanism in sintering, sintering का mechanism आपको पूछा जाए तो आप बता सकते हो, पहले net formation होता है, then particle bonding होती है, this is the mechanism, part are heated to 80% of the melting point, friend, ये 80% of melting point तक generally हम heat करते हैं, ये चीज ध्यान रखना है ना, तो proper heating के कारण आपका diffusion phenomena होता है, तो 80% of melting point of temperature आप heat करते हो, समझ रहे हो, ट्रांसफॉर्म कॉम्पैक्ट मटेरियल फ्रेंड, ट्रांसफेक्ट, यहां पर देखिए, ट्रांसफॉर्म कॉम्पैक्टेड मैकेनिकल बॉन्ड्स टू मच स्ट्रॉन्गर मेटल बॉन्ड्स, ठीक है, मेनी पार्ट आर डन एट दिस स्टेज, सम विल रिक्वायर एडिशनल, क्लियर है। सिंटरिंग डिपेंड अपॉन टेम्परेचर ऑफ सिंटरिंग, सिंटरिंग प्रोसेस इज क्लासिफाइड एज सॉलिड फेज सिंटरिंग एंड लिक्विड फेज, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सॉलिड फेज सिंटरिंग और लिक्विड फेज सिंटरिंग, इसको दो पार्ट में हम ब्रेक कर सकते हैं। देखिए त्रिलोचन साहू, डिफ्यूजन इज बेसिकली ए फिनोमेना, इट इज बिकॉज ऑफ कंसंट्रेशन डिफरेंस, कंसंट्रेशन डिफरेंस मतलब आप समझिए, मैंने दो पाउडर को मिलाया, समझना ऐसे समझिए कि यहाँ पे दो पाउडर को मिक्सअप किया आपने, ठीक है, अब यहाँ पे दो पाउडर है, कुछ आपके फ्रेंड मान लो टंगस्टन है, कहीं पे कॉपर है, अलग एलिमेंट है, डिफरेंट डिफरेंट जो पाउडर फॉर्म में है, तो कहीं पे कंसंट्रेशन ज्यादा है, कहीं पे कंसंट्रेशन कम है, ठीक है, तो इस कंसंट्रेशन डिफरेंस के कारण मास ट्रांसफर विल टेक्स प्लेस, because of concentration difference a mass transfer will takes place, finally kya hoga, atom will start moving, theek hai na, this phenomena is called diffusion and it is carried out at high temperature always, so high temperature ye is cheez ko support karta hai diffusion,
तो आपसे पूछेगा सिंपल, डिफ्यूजन फिनोमेना इज कैरिड आउट बिकॉज ऑफ कंसंट्रेशन डिफरेंस। तो कंसंट्रेशन जब आपका इक्वल होगा फ्रेंड, देन स्ट्रेंथ विल ऑटोमेटिकली इंक्रीज। यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ के लिए कंसंट्रेशन, आप ऐसा नहीं कहीं पर टंगस्टन ज्यादा है कहीं पर कम है, तो आपका जो पाउडर मिला है उसकी ब्लेंडिंग तो हो गई है, लेकिन क्या है जब आपका कहीं ना कहीं अभी भी कंसंट्रेशन डिफरेंस है, जब आप हीट करते हो सिंटरिंग प्रोसेस में, कंसंट्रेट डिफ्लेक्शन कारण मास ट्रांसफर विल टेक्स प्लेस, ठीक है ना। तो ये मास ट्रांसफर फिनोमेना है त्रिलोचन, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसके कारण आपका एटम विल स्टार्ट मूविंग फ्रॉम द हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन, हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन एट व्हाट लो टेम्परेचर, एट हाई टेम्परेचर, क्लियर है। दिस इज बेसिक, आपसे पूछा जाए डिफ्यूजन क्या है तो आप बता सकते हो, इट्स बेसिकली मास ट्रांसफर फिनोमेना। हम पढ़ते हैं ना HMT, हीट एंड मास ट्रांसफर, तो मास ट्रांसफर इज नॉट अवर सिलेबस, तो याद रखना ये डिफ्यूजन कोफिशियंट होता है, आपने शायद पढ़ा हो, तो मास ट्रांसफर इज नॉट अवर सिलेबस, बट डिफ्यूजन का बेसिक मतलब आपको पता होगा, ठीक है ना। और जनरली हाई टेम्परेचर, जैसे आप अगर 20 डिग्री हाई टेम्परेचर और बढ़ाते हो ओवर द एंड अबव द हाई टेम्परेचर, तो आपका ये लगभग डिफ्यूजन फिनोमेना डबल हो जाता है। डिफ्यूजन फिनोमेना आपके टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, क्लियर है। In most common method, friend, solid phase sintering in which the green compact are heated usually above the recrystallization temperature of low melting point, ठीक है ना? Low melting point के above recrystallization temperature तक आप heat करते हो solid phase में, आप liquid phase में नहीं जाने देते इसको। But in liquid phase sintering, melting point of one of the alloying constituent, friend, alloying constituent क्या है? जैसे tungsten होगा, copper होगा, aluminium होगा, मान लो ये सब आपके powder form में है। तो जो लो मेल्टिंग पॉइंट है आप इतना हीट करोगे इसके ऊपर, जो हाई है उससे नीचे किसी भी एक को आप लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करके फिलअप कराओगे इन द पाउडर। यहाँ पे देखिए एव द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एन एलॉय फॉर्म ड्यूरिंग सिंटरिंग, यहाँ पे आप क्या करते हैं, कोई भी मेटल आपका जो आपने एलॉय एलिमेंट है उसको लिक्विड फेज में आप कन्वर्ट कर लेते हो तो आप लिक्विड फेज सिंटरिंग बोलते हो, ठीक है ना। सभी सॉलिड स्टेट में रहते हैं देन सॉलिड फेज सिंटरिंग, दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन दिस। ये जरूरी नहीं लिक्विड फेज में सभी लिक्विड फेज में चले जाएंगे, आपके अलग एलिमेंट है पाउडर फॉर्म में, चार पांच है, छह है, कितने भी हैं, तो जो कोई भी एक अगर लिक्विड फेज में चलाया तो लिक्विड फेज सिंटरिंग हम बोलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट फ्रेंड जो सेकेंडरी ऑपरेशन, इसको हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी ऑपरेशन, ये चीज याद रखना, ठीक है ना। सेकेंडरी ऑपरेशन तो बेसिकली देखिए सिंटरिंग में क्या हुआ था, ये मैं इस पे बाद में आऊंगा, पहले सिंटरिंग के बारे में थोड़ा सा एक दो पॉइंट और बताता हूँ। सिंटरिंग में बेसिकली ये जो बेसिकली टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा डिफ्यूजन प्रोसेस, और पाउडर कुड नॉट फॉर्म इंटरलॉकिंग हूज मेल्टिंग पॉइंट आर बिलो द टेम्परेचर, ठीक है ना, मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर, ये चीज याद रखना। तो जनरली कोई भी एक पाउडर लिक्विड फेज में चला जाता है, इट फिल अप इन द मेटल पाउडर, ठीक है ना। बेसिकली ये आपके प्राइमरी ऑपरेशन हो गए, मैंने आपको बताया, दिस इज नाउ नेक्स्ट इज द सेकेंडरी। सेकेंडरी में आपके साइजिंग आता है, इम्प्रेगनेशन आता है, मैंने और भी आपको यहाँ पे एग्जाम्पल दिया था, इसमें मैंने आपको और भी एग्जाम्पल जैसे इनफिल्ट्रेशन भी बताया था आपको मैंने, कि देयर इज अनदर मेथड दैट्स कॉल्ड इनफिल्ट्रेशन। यहाँ पे एक एक करके हम पढ़ेंगे, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे दैट इज कॉल्ड रीप्रेसिंग और क्वाइनिंग और साइजिंग। इसको हम क्या बोलते हैं, साइजिंग, रीप्रेसिंग और क्वाइनिंग और फ्रेंड साइजिंग, दीज आर द ऑल सेम थिंग, ठीक है ना। तो रीप्रेसिंग और इसमें क्या करते हैं फ्रेंड, एडिशनल कॉम्पैक्शन प्रोसेस है। पहली चीज तो आप ये याद रखोगे, दिस इज एडिशनल कॉम्पैक्शन प्रोसेस, ये एडिशनल कॉम्पैक्शन प्रोसेस है। मान लो आपको फ्रेंड आपको और कॉम्पैक्ट चाहिए, ठीक है ना, फर्दर आपको साइज और कॉम्पैक्ट चाहिए, तो आपका फर्दर रीप्रेसिंग इज द ऑपरेशन, इट इज नथिंग बट इट्स एडिशनल कॉम्पैक्शन प्रोसेस। बस आप इतना याद रखिए, ये एडिशनल कॉम्पैक्शन ऑपरेशन है फ्रेंड, परफॉर्म अंडर हाई प्रेशर, तो ये जनरली परफॉर्म्ड होता है अंडर हाई प्रेशर, परफॉर्म्ड अंडर हाई प्रेशर पे ये परफॉर्म होता है, ठीक है ना, इन प्रेसेस, क्लियर है, ठीक है। द पर्पस ऑफ दिस ऑपरेशन इंप्रूव डायमेंशनल एक्यूरेसी, तो यहां पर आपका बस एक ही पर्पस है रिप्रेसिंग और क्वाइनिंग का, डायमेंशनल एक्यूरेसी को फ्रेंड बढ़ाना, डायमेंशनल एक्यूरेसी को बढ़ाना, ये यहाँ ऑब्जेक्टिव रहता है हमारा, किसका, रिप्रेसिंग और क्वाइनिंग का, क्लियर है। तो रिप्रेसिंग क्वाइनिंग का आपसे पूछा जाए व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव, तो आप बता सकते हो यहाँ पे, दिस इज द बेसिक ऑब्जेक्टिव बिहाइंड दिस फ्रेंड, डायमेंशनल एक्यूरेसी को हम इंप्रूव करने के लिए, और सरफेस इट इंप्रूव्स, क्लियर है, इतने पॉइंट बहुत है, मोर देन सफिशिएंट है इसके लिए, इंप्रूव्स सरफेस फिनिश, ठीक है, रिमेंबर दिस पॉइंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन आप क्वाइनिंग और साइजिंग जब कर देते हो तो आप इंप्रेगनेशन नहीं करते, इंप्रेगनेशन, व्हाट इज इंप्रेगनेशन नाउ, इसको हम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। इंप्रेगनेशन की अब बात कर लेते हैं,
यहाँ पे और लगाया और नहीं होना चाहिए, इम्प्रेगनेशन है ना। इम्प्रेगनेशन की बात, दिस इज डिफरेंट। यहाँ पे इम्प्रेगनेटिंग का मतलब है कि जब आपकी पोरोसिटी ज्यादा होती है फ्रेंड, ठीक है ना, उसका एडवांटेज लेने के लिए हम इम्प्रेगनेशन, जैसा है आपको समझ में आ रहा है, इंसर्टिंग सर्टेन कंपाउंड इन टू द मेटल पाउडर। जैसे आप बात करो सिंपल, आप क्या करते हो, इम्प्रेगनेटिंग द कंपोनेंट विद द फ्लूइड। जनरली आप क्या कर रहे हो, इम्प्रेगनेटिंग द कंपोनेंट विथ अ फ्लूइड। कोई फ्लूड अगर आपकी प्रॉपर्टी, जैसे सिंपल फॉर एग्जाम्पल सेल्फ लुब्रिकेटिंग बियरिंग आपने देखा होगा। सेल्फ लुब्रिकेटिंग बियरिंग क्या होती है, इसमें बियरिंग में जो है आप लुब्रिकेंट को इंसर्ट कर देते हो, ठीक है ना। इस तरीके के फिनाम यहाँ पे बियरिंग, जो सेल्फ लुब्रिकेटिंग बियरिंग इज द बेस्ट एग्जाम्पल फॉर इम्प्रेगनेशन। यहाँ पे आप क्या करते हो फ्रेंड, जो कंपोनेंट है उसको ऑयल में डिप करते हो। किसमें डिप करते हो, ऑयल में, ठीक है ना, ऑयल में डिप करते हो, जिससे कि ऑयल विल इंसर्ट इन टू द पोरस या पोर्स ऑफ द पर्टिकुलर कंपोनेंट। समझिए आप, यहाँ पे जो कंपोनेंट है फ्रेंड उसको आप ऑयल में डिप करके रखते हो, जिससे कि ऑयल जो है विद द हेल्प ऑफ कैपिलरी एक्शन फिल इन टू द पोर्स, विल फिल इन टू द पोर्स, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज इम्प्रेगनेशन। समझ में आया। तो टिपिकल एप्लीकेशन इसका क्या है, यहाँ पे टू इम्प्रेगनेट द सेंटर पार्ट विद ऑयल फ्रेंड, ठीक है ना, इज यूजली डन बाई इमर्सिंग द पार्ट इन अ हीटेड ऑयल। यहाँ पे मैं आप इसको लिखने जा रहा हूँ, आप समझिए, यहाँ पे टू इम्प्रेगनेट, टू इम्प्रेगनेट मतलब समझ में आया, आपको मतलब समझ में आया तो आप बोल देना, मैं एक बार फिर से बता दूंगा। सिंटर्ड इम्प्रेगनेट सिंटर्ड पार्ट फ्रेंड विथ ऑयल, ठीक है, विच इज यूजुअली डन बाय इमर्सिंग फ्रेंड द पार्ट इन हीटेड ऑयल, ठीक है, ये आपका बेसिक हीटेड ऑयल। आपको पूछा जाए इम्प्रेगनेशन क्या, तो आप बोल सकते हो टू इम्प्रेगनेट द सिंटर्ड पार्ट ब्रेंड विद ऑयल विच इज यूजली डन बाय इमर्सिंग द पार्ट इन हीटेड ऑयल सो दैट ऑयल विल इंसर्ट इनटू द पार्ट सिंटर्ड पार्ट फ्रेंड, ठीक है ना, एंड दिस विल क्रिएट सेल्फ लुब्रिकेशन प्रॉपर्टी। सेल्फ लुब्रिकेट प्रॉपर्टी से इनहांस होती है, ठीक है ना फ्रेंड, लाइक बियरिंग। इसका एग्जाम्पल आपसे पूछा जाए तो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल बियरिंग है ना एंड बुशिंग, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ इम्प्रेगनेशन, ठीक है ना। तो ये बियरिंग का जो आपका एग्जांपल है फ्रेंड, इसको याद रखिए, ठीक है ना। तो बियरिंग एंड बुशिंग इज द एग्जांपल ऑफ इम्प्रेगनेशन का, आप याद रखिए, सेल्फ लुब्रिकेटिंग बियरिंग। क्लियर है, ठीक है ना। तो जनरली यहाँ पे अगर हम बात करें फ्रेंड, यहाँ पे जो इंटरनली लुब्रिकेटेड जो बियरिंग रहती है फ्रेंड विद अप टू 30% ऑयल बाई वॉल्यूम इसमें भरा होता है ना, लगभग 30% ऑफ ऑयल बाई वॉल्यूम, ठीक है ना, ये चीज याद रखना। और इसके बाद नेक्स्ट जो प्रोसेस है ये भी इम्पोर्टेंट है। देखिए एक चीज और समझना फ्रेंड यहाँ पे, कि अगर आप रिप्रेसिंग कर रहे हो तो रिप्रेसिंग जब आप करते हो फ्रेंड तो आप उसको बहुत ज्यादा प्रेस करते हो, ठीक है। जब आप ऐसा करोगे तो पोर्स उसके बीच में है फ्रेंड, जो पोरोसिटी है उसकी बहुत ज्यादा कम हो जाती है। जब पोरोसिटी बहुत ज्यादा कम होती है तो हम इम्प्रेगनेशन कभी नहीं करते। इफ देयर इज अ साइजिंग एंड कॉइनिंग, आप सेकेंडरी ऑपरेशन है, ये क्या सेकेंडरी ऑपरेशन है, अगर सेकेंडरी ऑपरेशन में अगर साइजिंग कॉइनिंग कर रहे हो तो आप इम्प्रेगनेशन मत करिए, क्योंकि ऑलरेडी जो पोर्स है फ्रेंड ये क्या है, आप कॉम्पैक्ट इतना कर देते हो, डेंसिटी इतनी ज्यादा हो जाती है कि पोर्स बचते ही नहीं, उसमें बहुत कम रह जाता है, तो इम्प्रेगनेशन उसमें सक्सेसफुल नहीं होता, ठीक है। तो अगर आप साइजिंग क्वाइनिंग कर रहे हो तो इम्प्रेगनेशन को अवॉइड करो। इम्प्रेगनेशन अगर आप कर रहे हो फ्रेंड तो साइजिंग क्वाइनिंग का कोई मतलब नहीं है। तो ये आप समझिए, मैं ये बोल रहा हूँ, दोनों प्रोसेस आप एक साथ करते हो तो आपको उतना एडवांटेज नहीं मिलेगा। तो इसको आप इस तरीके से समझिए कि साइजिंग क्वाइनिंग जब आप कर रहे हो आप कॉम्पैक्ट कर देते हो तो पोर्स को आप फिलअप कर देते हो, एक्चुअली पोर्स उसमें खाली, जो पोरोसिटी है उसकी बहुत कम हो जाती है। जब पोरोसिटी बहुत कम हो जाएगी तो ऑयल कहाँ भरेगा आपका पोर्स, समझिए। तो इम्प्रेगनेशन उस केस में नहीं करोगे आप, ठीक है ना, इसी ध्यान रखना। जब साइजिंग क्वाइनिंग आप कर लेते हो तो इम्प्रेगनेशन को अवॉइड करिए, ठीक है, आप उतना एडवांटेज नहीं ले पाओगे। क्लियर। नाउ नेक्स्ट स्टेज इज इनफिल्ट्रेशन। नाउ नेक्स्ट इज इनफिल्ट्रेशन, ये भी आपका एक सेकेंडरी ऑपरेशन, ठीक है, सेकेंडरी फिनिशिंग ऑपरेशन कैटेगरी में आता है, दैट इज इनफिल्ट्रेशन। इनफिल्ट्रेशन क्या होता है फ्रेंड, यहाँ पे इज अ प्रोसेस वेयर बाय, इट इज अ प्रोसेस, पहले मैं लिख रहा हूँ आप समझना ध्यान से, प्रोसेस वेयर बाय मेटल स्लग, स्लग मतलब अ पीस ऑफ मेटल, ठीक है ना, विथ लोअर मेल्टिंग पॉइंट, विथ लोअर मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है, एमपी लिख रहा हूँ मैं केवल, लोअर मेल्टिंग पॉइंट देन
of a part, that of a part. ठीक है फ्रेंड, इज प्लेस्ड ऑन द टॉप ऑफ द सेंटर्ड पार्ट, प्लेस्ड ऑन टॉप ऑफ द सेंटर्ड पार्ट। इस समझिए मैं इससे क्या बोलना चाहूं, देखिए सिंपल है। देखिए फ्रेंड होगा क्या, सिंपल कि मान लो ये सेंटर्ड पार्ट, सेंटरिंग के बाद हमारे पास आया, सेकेंडरी ऑपरेशन हो रहा है यहाँ पे। मैंने मेटल स्लग मतलब एक पीस ऑफ मेटल पे जो कि आप जो प्रॉपर्टी एनहांस करना चाह रहे हैं उसका, इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम है। अब मैंने इस पूरी असेंबली को फ्रेंड हीट किया, हीट ऐसा किया कि इसके मेल्टिंग पॉइंट से तो ऊपर हो लेकिन इसके मेल्टिंग पॉइंट तक ना रीच कर पाए। तो होगा क्या, जब आप इसके मेल्टिंग पॉइंट से ऊपर इसको हीट करोगे इस असेंबली को फ्रेंड, तो होगा क्या आपका ये मेटल जो है लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होके इट विल इन्फिल्ट्रेट इनटू द पोर्स ऑफ सिंटर्ड मेटल या सिंटर्ड प्रोडक्ट। सिंपल समझना फ्रेंड, आपने क्या किया कि मेटल स्लग लिया विथ लोअर मेल्टिंग पॉइंट, इसका लोअर मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए, ये चीज याद रखना ठीक है। देन दैट ऑफ पार्ट इज प्लेस्ड ऑन द टॉप ऑफ सेंटर्ड पार्ट, सेंटर्ड पार्ट ये है आपका फ्रेंड, सेंटर्ड पार्ट के ऊपर मैंने इसको रख दिया। अब इस असेंबली को मैंने हीट किया, ऐसा हीट किया कि इसके मेल्टिंग पॉइंट के ऊपर हमने इसको हीट किया जिससे ये लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होके इट विल इन्फिल्ट्रेट इनटू द पार्ट सेंटर्ड पार्ट। सिंपल, दिस इज कॉल्ड इन्फिल्ट्रेशन, हर जाना ठीक है ना। तो ये आप देखिए हीटेड, अब नाउ असेंबली इज हीटेड, असेंबली मतलब ये दोनों पार्ट, असेंबली इज हीटेड लिख रहा हूं मैं, असेंबली इज हीटेड पार्ट ठीक है ना। तो जब असेंबली को आप हीट करोगे टू ए टेम्परेचर सफिशियंट टू मेल्ट द स्लग, टू ए टेम्परेचर सफिशियंट टू मेल्ट द स्लग, स्लग को बस मेल्ट कर दे। सिंपल, नाउ मोल्टन मेटल, जो मोल्टन मेटल है, मोल्टन मेटल है इनफिल्ट्रेट्स the pores of other, this is called this whole process is called infiltration. I think it is clear to you, ठीक है ना। this whole process is called infiltration. ये pores में किसके थ्रू गया, through capillary action, ये चीज याद रखना। mechanism क्या है, capillary action, तो capillary action के कारण ये fill up, ठीक है ना। तो यहाँ पे pores में जब हो गया तो उसकी density बढ़ जाती है, strength बढ़ जाती है, it increases the density, डेंसिटी एंड सॉरी स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाती है, डेंसिटी स्ट्रेंथ विल इंक्रीज, क्लियर। इनफिल्ट्रेशन का पर्पज आपको समझ में आया ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे लिखा हुआ है क्लोज फिलिंग ऑफ दिस, ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू ठीक है, इसको दोबारा से पढ़ लेंगे। कंपोनेंट इज टू इंप्रेग्नेटेड साइजिंग शुड बी अवॉइडेड, ये चीज मैंने आपको बताई थी ठीक है। एडवांटेज क्या है, पाउडर मेटलर्जी की क्या एडवांटेज है, इसको हम थोड़ा समझ लेते हैं डिटेल में। तो मेटल प्लस मेटल कंपोनेंट कैन बी मैन्युफैक्चर्ड बाय द पाउडर मेटलर्जी, तो कोई भी मेटल और उसके फ्रेंड पाउडर मेटलर्जी आप बना सकते हो ठीक है। मेटल प्लस नॉन मेटल कंपोनेंट कैन बी मैन्युफैक्चर्ड ठीक है, मेटल प्लस मेटल को भी आप मैन्युफैक्चर कर सकते हो पाउडर मेटलर्जी से, और मेटल नॉन मेटल को भी मैन्युफैक्चर कर सकते हो। कंट्रोल्ड पोरोसिटी फ्रेंड कैन बी ऑब्टेंड विद द हेल्प ऑफ दिस पाउडर मेटलर्जी टेक्निक, इट इज पॉसिबल टू प्रोड्यूस कंपोनेंट विद प्रॉपर्टी सिमिलर टू द पैरेंट मेटल, पैरेंट मेटल सिमिलर आप प्रॉपर्टी ऑब्टेन कर सकते हो। जैसे जस्ट फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया टंगस्टन और मॉलिब्डेनम हाई हार्डनेस, कॉपर की बात करें हम सिल्वर की गुड इलेक्ट्रिकल कंडक्टर, अगर इन दोनों का मिक्सचर हम लेते हैं देन जो प्रोडक्ट हमको मिलेगा फ्रेंड उसकी हाई हार्डनेस होगी, गुड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होगी। इस तरीके से हम एक एडवांटेज हमको मिल सकता है कि जो प्रॉपर्टी इनहांस करने के लिए हम इस तरीके मटेरियल का यूज करें जिससे कि हमको क्या है कि कुछ इंटीग्रेटेड प्रॉपर्टी जो चाहिए वो मिल जाए। जैसे हम गुड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी और हाई हार्डनेस हमको एक साथ मिल गई और हम पाउडर मेटलर्जी से प्रोडक्ट बनाते हैं। मैनुफैक्चर ऑफ सीमेंटेड कार्बाइड कटिंग टूल्स के लिए मैंने ये आपको जब कटिंग टूल्स पढ़ाया तो वहां पे बताया था आपको क्लियर कट के इसके लिए हम यूज करते हैं ठीक है। वेल्डेड ब्रेज्ड मशीन आर हीट ट्रीटेड प्लेटेड इंप्रेगनेटेड लुब्रिकेंट अदर मटेरियल इसके लिए यूज होता है ठीक है। सेल्फ लुब्रिकेट बियरिंग बनाने के लिए पाउडर मेटलर्जी यूज करते हो, टंगस्टन फिलामेंट के लिए यूज करते हो ठीक है। मेटल पाउडर फाइंड एप्लीकेशन अदर फील्ड्स सच एज पेंटिंग वेल्डिंग एक्सप्लोसिव, क्लोज कंट्रोल ओवर द डायमेंशन ऑफ फिनिश पार्ट फ्रंट, देखिए फिनिश पार्ट का कंट्रोल रहता है आपका, सही बात है। आप कंपैक्शन साइजिंग फिनिशिंग वेरियस ऑपरेशन आप लगा सकते हो, कटिंग भी कर सकते हो, इवन पता है कटिंग भी कर सकते हो आप, तो कटिंग करके भी आप स्लॉट्स बना सकते हो ठीक है ना पाउडर मेटलर्जिकल पार्ट में, ये सब ऑपरेशन आप लगा सकते हो। नो मशीनिंग बहुत कम रिक्वायर्ड होती है आफ्टर पाउडर मेटलर्जी, आपको जो प्रोडक्ट मिलता है बहुत ऑलरेडी अच्छा सर्फेस फिनिश उसकी अच्छी मिलती है। फास्ट प्रोडक्शन ऑफ सिंपल सेव्ड कंपोनेंट पॉसिबल ड्यू टू लेसर नंबर ऑफ स्टेप इन्वॉल्व, हाई स्किल्ड और क्वालिफाइड पर्सन इज नॉट रिक्वायर्ड ठीक है फॉर प्लांट ऑपरेशन मेंटेनेंस। लिमिटेशन फ्रेंड,
जो मोस्ट ऑफ द पाउडर जो होते हैं फाइन एंड फाइन पाउडर ऑफ सम ऑफ द मेटल लाइक दिस आर लाइकली टू एक्सप्लोड एंड कॉज फायर हैजर्ड. ये आपका एक डिसएडवांटेज है. नॉट सुटेबल फॉर मैन्युफैक्चर स्मॉल नंबर ऑफ कंपोनेंट, क्योंकि फ्रेंड इसका जो इन्वेस्टमेंट होता है टूल और इक्विपमेंट्स वो बहुत हाई होता है, तो स्मॉल कंपोनेंट के लिए जनरली हम यूज नहीं करते. लार्ज साइज कंपोनेंट के लिए इसको हैंडल करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, इसलिए स्मॉल जो पार्ट्स हैं उनके लिए हम यूज करते हैं. कॉम्प्लेक्स से पार्ट कैन नॉट बी मैन्युफैक्चर्ड विद ईज फ्रेंड, ठीक है ना, क्योंकि डाइज फिर आपको उस तरह कॉम्प्लेक्स बनाना पड़ेगा जो पॉसिबल नहीं है ना. पाउडर मेटलर्जी पार्ट है पुअर कोरोजन रेसिस्टेंट बिकॉज दे आर पोरस, ससेप्टेबल टू वाटर कोरोजन. क्लियर है? ऑयल इम्प्रेगनेटेड पोरस फेयरिंग सेल्फ लुब्रिकेटिंग बेयरिंग ये हमने देख चुके हैं, इसका उतना यूज नहीं है. नाउ एप्लीकेशन, ऑटोमेटिक एप्लीकेशन, ठीक है, जो जनरली अभी ऑटोमेटिक मोबिल जो पार्ट है फ्रेंड उनमें जनरली 60-70% जो पार्ट है पाउडर मेटलर्जी के थ्रू बनाए जा रहे हैं आज की डेट में, ये ध्यान रखें, ठीक है ना. तो पाउडर मेटलर्जी में आज की डेट में जो 60-70% पार्ट है वो पाउडर मेटलर्जी के थ्रू बना रहे हैं. ऑटोमेटिक अपडेट डिफेंस एप्लीकेशन फ्रेंड, ठीक है, डिफेंस एप्लीकेशन में यूज हो रहा है, मिलिट्री नेशनल रॉकेट्स मिसाइल्स, ठीक है ना. यहाँ पे क्रैंक शाफ्ट ड्राइव्स पिस्टन रिंग्स कनेक्टिंग रॉड्स ब्रेक्स लाइनिंग और अदर पाउडर मेटल के पार्ट्स फ्रेंड, ठीक है ना, ब्रेक्स इन कार्स ट्रक्स एयर, ये भी देखिए आप, है ना, इस तरीके से बहुत सारे एग्जाम्पल है. हाई टेम्परेचर एप्लीकेशन में लाइक फ्रेंड इलेक्ट्रिक लाइट बल्ब्स क्लोरो सेंट ट्यूब्स रेडियो बल्ब्स मरकरी या रेक्टिफायर, ये बहुत सारे एग्जाम्पल देख सकते हो. डाइज रोल्स कटिंग टूल्स एट हाई टेम्परेचर, यहाँ पे सब पाउडर मेटलर्जिकल से आप प्रोडक्ट को बना रहे हो. एरोस्पेस में मेटल प्लेन इंपोर्टेंट रॉकेट मिसाइल प्लांट, ये ऑलरेडी हम देख चुके हैं. आज के लिए इतना ही है. तो पाउडर मेटलर्जी से रिलेटेड जो भी थ्योरी थी जो भी इंपॉर्टेंट चीजें थी वो हमने कवर कर ली. थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर लिसनिंग मी, थैंक यू एंड सब्सक्राइब अन अकेडमी. अगर आपको लेक्चर पसंद आए देन यू कैन फॉलो मी इन दिस लिंक, थैंक यू. और आप मेरा कोड डाल सकते हो GSUS फॉर 10% डिस्काउंट. थैंक यू.